तक पहुंचाए। मोटे हुए दोस्तों पढ़ाना और सिर्फ पढ़ाना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन की। और दोस्तों मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा दोस्तों संरचनावाद। संरचनावाद दोस्तों आराम से एक एक पेज को, एक इससे पहले कि दोस्तों किसी को पढ़ाऊं, मैं दो लाइन में आपको पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि पियाजे बाइगोस्की समर्थक है किसके दोस्तों, संरचनावाद के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है पाइगोस्की और पियाजे का कोहल दोस्तों, क्या संरचनावाद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों इससे रचनावाद भी कहते हैं, एक एक लाइन से दोस्तों आठ आठ क्वेश्चन आएंगे। इससे रचनावाद भी कहते हैं, भी कहते हैं पियाजे बाइगोस्की, पियाजे बाइगोस्की दोनों मानते हैं कि, दोनों मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों क्या मजेदार कहानी, एक बार दोस्तों एक बार देखेंगे फटाक से। इससे रचनावाद भी कहते हैं, बाइगोस्की पियाजे दोनों मानते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा हट जाऊं, आप स्क्रीनशॉट ले सके। मैं बेसिकली मेरा मोटो है कि आप स्क्रीनशॉट लगे दोस्तों एक बार शेयर करेंगे और एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्तों। शुरू करेंगे हाँ, बाइगोस्की पियाजे दोनों मानते हैं दोस्तों कि ज्ञान को, मैंने दोस्तों बराबर कहा है कि गुरु जी से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक है। इसलिए पियाजे ने, आपने उनका महान कथन, आज चीजों को कनेक्ट करूंगा दोस्तों, आपने पियाजे का महान कथन सुना होगा जिसमें पियाजे ने क्या कहा, विद्यार्थी सिर्फ ज्ञान की रचना कर सकता है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं गाइज। यह दिखाता है किसका सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। और यह साफ साफ है गाइज क्या, कि संरचनावाद, यह रचनावाद है दोस्तों। फिर सुनेंगे, रचनावाद कहता है ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता गाइज। हाँ इसलिए रचनावाद, आठ से दस बार क्वेश्चन आ चुका है इसी टाइप में। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, रचनावाद के दो भाग है, देखेंगे रचनावाद के दो भाग हैं, रचनावाद के दो भाग हैं, सामाजिक रचनावाद और संज्ञानात्मक रचनावाद। दोस्तों कौन से रचनावाद, संज्ञानात्मक। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तब आपको समझ में आएगा क्या, कि सामाजिक रचनावाद के समर्थक है बाइगोस्की और संज्ञानात्मक रचनावाद के समर्थक है कौन, जीन पियाजे। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे, आज पढ़ाना चाहूंगा। इससे रचनावाद भी कहते हैं, पियाजे बाइगोस्की दोनों मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। रचनावाद के दो भाग हैं, सामाजिक रचनावाद बाइगोस्की शॉर्ट में लिख दिया है और संज्ञानात्मक रचनावाद गाइज पियाजे। यह दोस्तों इतने से ही आठ से नौ बार प्रश्न आए हैं, इसलिए इसको दोस्तों शेयर करेंगे और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्तों। लेट्स गो, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और शेयर करेंगे। आइए एक बार आगे चलते दोस्तों, एक बार आगे चलते शेयर करते रहेंगे और आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी लेके दोस्तों ताकि मैं पढ़ा सकूं। आइए शुरू करते हैं, आइए नेक्स्ट पियाजे। तो आराम से एक एक लोगों से क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ क्लास को एंजॉय करेंगे दोस्तों, रुक के पढ़ेंगे, रिलैक्स होके पढ़ेंगे, एक एक लोगों को, एक एक लोगों को कवर कराऊंगा। आइए दोस्तों जानते हैं पियाजे। दोस्तों इससे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि पियाजे में सबसे मुश्किल है, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वह उनके शब्द हैं दोस्तों। इसलिए पियाजे को कोई भी टीचर जब पढ़ाए तो सबसे पहले शब्द समझाए फिर आगे जाए। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं पियाजे के शब्द, आइए देखते हैं पियाजे के शब्द। तो पहला, सबसे पहला दोस्तों पियाजे का पहला शब्द जो मैं ले रहा हूं दोस्तों वो ये है अनुकूलन। अनुकूलन दोस्तों, एक एक शब्द को आप लिखेंगे, एक एक शब्द को, विषम परिस्थिति में खुद को या जानकारी का समायोजन, जानकारी का अनुकूलन। इसके दो भाग हैं दोस्तों, पहला भाग है समावेशन और दूसरा भाग है गाइज समायोजन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी डालना,
नई जानकारी डालना, विरोध होने पर जानकारियों में संशोधन। दोस्तों एक एक शब्द जब समझ लेंगे फिर आगे चलेंगे। दोस्तों एक बार देखेंगे, विषम परिस्थिति में खुद को या जानकारी का अनुकूलन। दोस्तों जैसे क्या हुआ कि जब हमारा कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, दोस्तों जैसे हम गर्मी में रहने के आदि हैं, ठंड में जाएंगे दोस्तों, और जब हम ठंड में जाएंगे तो खुद को ठंड के लिए आदि बनाएंगे, यह क्या है? अनुकूलन। और दोस्तों पियाजे में एकदम एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे हम कहते हैं समावेशन और इसे बोलते हैं क्या? समायोजन। इसके दो भाग है, देखिए ध्यान सुनेंगे। ओके शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप इसके इंग्लिश शब्द जरूर देखें दोस्तों, इसके इंग्लिश शब्द को जरूर देखें, क्योंकि यहां दोस्तों इंग्लिश ही वो चीज है जो आपको बचा सकती है। तो आइए दोस्तों एक बार देखें हैं, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये दूसरा है दोस्तों अकोमोडेशन। लेट्स गो, समायोजन को बोलेंगे दोस्तों अकोमोडेशन। अब दोस्तों ध्यान से दो मिनट फोकस करेंगे और सुनेंगे, जब आप समझ जाएंगे बोलेंगे हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बच्चा कह रहा है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को डालना। दोस्तों एक बच्चा जानता है क्या कि दोस्तों गोली, कोई भी गोली चीज खाने के लिए बनी है, इसलिए कपूर की गोली दोस्तों एक उसको टॉफी मिलती है, एक कैंडी गोली सी मिलती है, खा लेता है। आज दोस्तों उसे कपूर की गोली मिल गई, उसने कपूर की गोली को उठा के खा लिया, यह सोचकर कि यह भी खाने वाली गोली है, यह समावेशन है गाइस, इट्स असिमिलेशन, या यह है समावेशन। और दोस्तों इधर देखिएगा, इधर से देखिएगा, एक बच्चा याद करता है, देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा है विरोध होने पर जानकारी में संशोधन। एक बच्चा याद करता है क्या कि सिर्फ कौवा काला होता है, और अब जब कोयल देखता है दोस्तों तो सिर्फ काला याद करने के कारण विरोध होता है, इसलिए वह फिर से, ध्यान से सुनेंगे, इसलिए वह फिर से जानकारी को सेट करता है और नया अंतर करता है दोस्तों, किसके आधार पर? आवाज के आधार पर। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, नया अंतर किसके आधार पर करता है? आवाज के आधार पर, कि कोयल कुकू करती है। फिर से सुनेंगे दोस्तों, कोयल कुकू करती है, कौवा काव काव करता है, पर दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों का ही रंग क्या है? काला। दोस्तों यह रहा समावेशन और यह रहा समायोजन। एक बार यस करें दोस्तों स्क्रीनशॉट, लेट्स गो। विषम परिस्थिति में खुद को या जानकारी का अनुकूलन, एडप्टेशन, ध्यान से सुनेंगे, इसके दो भाग हैं गाइस, समावेशन असिमिलेशन, पुरानी जानकारी में नई जानकारी डालना। मैंने क्या बोला कि दोस्तों एक बच्चा जो टॉफी या कैंडी को गोला समझ के खा गया था, आज कपूर की गोली को गोला समझ के खा गया, सोचा कि यह खाने वाली चीज है, यह समावेशन है। और दोस्तों अंतर अगर कर ले गए तो यह समायोजन है गाइस, सिंपल सी बात है, मैं इसको एक शब्द में समझा सकता हूं, और एक शब्द में इसका अर्थ है कि अगर आप जानकारी में अंतर कर ले गए तब तो समायोजन है, अगर आप जानकारी में अंतर नहीं कर पाए, पुराने वाली में नई को डाल दिए दोस्तों, तो यही कहलाएगा क्या? इसी को हम कहेंगे क्या? समावेशन। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, सब लोग समझ रहे हैं। एक बार आगे चलते हैं दोस्तों, लेट्स गो, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे गाइस। एक एक शब्द दोस्तों कवर होगा, एक एक शब्द कवर होगा, एक एक वर्ड कवर होगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, यस लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं, आइए। और अब चलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। आइए दोस्तों, अगला शब्द है साम्य धारण, अगला शब्द है दोस्तों उनका साम्य धारण। मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं सिद्धांत लूं, साम्य धारण, इसे दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं एक्विलिब्रियम, हाँ इट्स कॉल्ड एक्विलिब्रियम। एक बार दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, जब बच्चे की जानकारी में कोई विरोध ही ना होगा, हमारे कहने का मतलब है जानकारी में कोई विरोध नहीं है, कुत्ता कुत्ते की जगह है, बिल्ली बिल्ली की जगह है, दोस्तों हजारों क्वेश्चन आए इससे, कुत्ता कुत्ते की जगह हो, बिल्ली बिल्ली की जगह हो, तो दोस्तों जब जानकारी में कोई विरोधाभास होगा ही नहीं तो जानकारी संतुलित होगी, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? साम्य धारण। गेस करिए कैसे आता होगा संतुलन, कैसे संतुलन आता होगा? तो उत्तर है दोस्तों या तो समावेशन, भाई इमेजिन करिए कि बच्चे की जानकारी में डिस्टर्बेंस होता है, तो दो ही रास्ते तो है संतुलन पर वापस आने के, पहला कि पुरानी जानकारी में नई को डाल दे, समावेशन कर ले तो भी संतुलन में कुछ समय के लिए आ जाएगा, और या तो दोनों में अंतर कर ले तो भी संतुलन में आ जाएगा, पर दोनों ही केस में संतुलन में आएगा दोस्तों। तो आइए एक बार शुरू करते हैं, साम्य धारण, वह अवस्था जब बालक की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं है,
कोई विरोधा भास नहीं है। आइए दोस्तों, वह अवस्था और यह प्रक्रिया आइए दोस्तों देखते हैं, यह प्रक्रिया समायोजन या समावेशन द्वारा पूरी होगी। हम समावेशन द्वारा पूरी होगी। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। यार दोस्तों हमारा टर्म नंबर 3। आइए दोस्तों मैं चाहूंगा फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चला जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से गाइस शेयर करते रहे। आज सिर्फ शेयर करिए गाइस, सिर्फ शेयर करिए और मुझे दोस्तों आगे बढ़ाइए। एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, मेन मोटो दोस्तों पढ़ाना है, तो एक बार बताया मुझे हाँ सर हम समझ गए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और आइए दोस्तों आगे चलते हैं, लेट्स गो। यस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको टाइम दिया गया है। अगला है दोस्तों संगठन, जिसे दोस्तों हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे एक बार। क्या बच्चा अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करता है इसे संगठन कहते हैं, इसे संगठन कहते हैं। और दोस्तों एक बार चलेंगे, अगला शब्द है स्कीमा। दोस्तों आपने सुना होगा पियाजे का एक बड़ा फेमस शब्द है दोस्तों स्कीमा। दोस्तों एक बार समझाऊंगा, गेस करिए दोस्तों बच्चे अपनी जानकारी को कैसे स्टोर करते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे, बच्चे दोस्तों जानकारी को कुछ ही स्टोर करते हैं। यह पशु है, यह कपड़ा है दोस्तों, यह है बर्तन। अब इसमें है गाय, बिल्ली, जानवर, बकरी, दुनिया भर कहां। यहां है कपड़े, टी शर्ट, पैंट शर्ट। यहां है बर्तन में थाली, प्लेट। दोस्तों कहने करते हैं बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड स्कीमा कहलाते हैं। अब मैंने यहां पे 3 बनाए हैं दोस्तों, ये 3 स्कीमा हो गए, अर्थात इसे स्कीमेटा कहते हैं। दोस्तों एक बार शुरू करेंगे, आइए देखते हैं। आइए बच्चे की जानकारी के, देखेंगे बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड जहां वह अपनी जानकारियां सहेज कर रखता है। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे स्कीमा। क्या आप समझ गए हैं? कपड़ों का स्कीमा हो सकता है, जानवर का स्कीमा हो सकता है, किताबों का स्कीमा हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे स्कीमे होते हैं, बहुत प्रकार का स्कीमा होता है, कई तरह का स्कीमा होता है गाइज। तो यह दोस्तों आप इसे, मैं हमेशा बोलता हूं, इसे आप मोबाइल के चिप से इमेजिन कर सकते हो दोस्तों। जैसे म्यूजिक प्लेयर अलग है, वीडियो प्लेयर दोस्तों अलग है, व्हाट्सएप अलग है, मैसेजिंग ऐप अलग है। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड जहां वह अपनी जानकारियां सहेज कर रखता है, इसका बहुवचन, इसका प्लूरल स्कीमेटा होता है दोस्तों। हाँ स्कीमेटा होता है, और इसे दोस्तों स्कीमा से क्या बन जाता है, इसे स्कीमा से क्या बोलेंगे, स्कीमेटा बोलेंगे दोस्तों। हाँ इसे स्कीमा से क्या बोलेंगे, स्कीमेटा बोलेंगे दोस्तों। एक बार यस करेंगे, शेयर करते रहेंगे, इससे स्कीमा से क्या बोलते हैं, स्कीमेटा बोलते हैं। यस लेट्स गो, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। लेट्स गो, यस आई। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। स्कीम्स दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है उनके शब्द। दोस्तों स्कीम्स एक अलग शब्द है गाइस, स्कीम्स एक टोटली अलग शब्द है, इसका स्कीमा से कोई लेना देना नहीं है। किसी काम को करने का सही क्रम स्कीमा कहलाता है दोस्तों। फिर सुनेंगे, किसी कार्य को करने का सही क्रम, सही पैटर्न कहलाता है स्कीमा। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। किसी कार्य को करने का सही क्रम। दोस्तों मैं एक बार एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। दोस्तों आपने क्वेश्चन सुना होगा जिसमें क्या कहा गया था कि एक बच्चा स्कूल जाने से पहले नहाता है, कपड़े पहनता है, जूते बांधता है, टाई लगाता है, बैग पीछे रखता है, फिर निकलता है।
तो यह दोस्तों एक 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 स्कीम हो गई का काम करने की। एक बच्चा खाने से पहले हाथ धुलता है, फिर भोजन करता है, फिर हाथ धुलता है। या दूसरा दोस्तों स्कीम है, किसी कार्य को करने का सही क्रम, सही पैटर्न ही क्या कहलाता है। इसे ही दोस्तों हम कहते हैं क्या, स्कीम्स। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं स्कीम्स। लेट्स गो, आगे चलते दोस्तों, लेट्स गो स्कीम्स। और अगला है दोस्तों, अगला शब्द है जीववाद। लेट्स गो गाइस, अब एक एक करके दोस्तों शब्द आएंगे। एनिमिज्म, ध्यान से देखिए दोस्तों, जीववाद। दोस्तों आप जानते हैं, बच्चा खिलौने की गाड़ी ले जा रहता है, पापा भाग जाओ, हट जाओ, मैं दबा दूंगा आपको। एनिमिज्म दोस्तों, बच्चे खिलौनों, आसपास की वस्तुओं को जीवित समझने का भ्रम करते हैं, इसे एनिमिज्म कहते हैं। दोस्तों आइए एक बार शुरू करते हैं, बच्चे, एक बार देखेंगे, बच्चे खिलौनों आदि को जीवित समझते हैं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जीवित समझते हैं। यह भ्रम ही क्या है दोस्तों, जीववाद है। अगला टर्म है दोस्तों, लगातार सारे टर्म्स ले रहा हूं, जीववाद। हाँ अगला दोस्तों, हाँ अगला शब्द है, हाँ, वस्तु स्थायित्व। लेट्स गो वस्तु। तो एक एक शब्द पे पांच पांच क्वेश्चन आए हैं, एक एक शब्द पे दोस्तों पांच पांच क्वेश्चन आए हैं। मतलब दो चार की बात ही छोड़ दीजिए, पांच पांच आठ आठ क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। आइए एक बार शुरू करते हैं, वस्तु स्थायित्व। गाइस सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चे, जैसे दोस्तों बच्चा देख रहा है भैया भूख लगी है, मम्मी गायब है, तो बच्चा गला फाड़ के रोएगा दोस्तों, गला फाड़ के रोएगा, क्योंकि वो जानता है रोने से मम्मी आएगी। और दोस्तों यह बच्चे का वस्तु के न दिखने पर भी वस्तु को सोचना ही क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व। क्या कि दोस्तों बच्चे का खिलौना गिर गया है, वो नहीं देख पा रहा है, शायद खाट के नीचे गिर गया है, पालने के नीचे गिर रहा है दोस्तों, पर वो जानता है खिलौना यही पे है, इसे हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। दोस्तों फिर सुनेंगे, बच्चा जानता है कि वस्तु भले ना दिखे पर उसका अस्तित्व होता है। दोस्तों आइए एक बार शुरू करते हैं, लेट्स गो। वस्तु स्थायित्व को दोस्तों बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या, वस्तु भले न दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। दोस्तों उसका अस्तित्व रहता है, इसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे दोस्तों जम के शेयर करेंगे, हर एक पे 30-30 क्वेश्चन भी लिए गए। हाँ तो 30-30 क्वेश्चन है, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने 30 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लिए हैं हर एक पे, आइए शुरू करते हैं। उसका न दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, इसे कहते हैं जीववाद। और अब चलेंगे दोस्तों आगे, लेट्स गो आइए अगला है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज व्हाट, अपलटावीपन, या इसे दोस्तों बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं, इरिवर्सिबिलिटी क्या गाइस, एक बार शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। बच्चा दोस्तों जानता है क्या कि अगर बच्चे को आप बोलोगे बेटा 3-2 जोड़ो, तो मैं दोस्तों हमेशा आपको क्लास में समझाता रहा हूं, वो उत्तर 5 बता देगा और दोस्तों ऐसे जोड़ेगा, 5 लाइनें यूं खींचेगा। पर अगर दोस्तों उसको आप बोलोगे बेटा 3-2 वापस ले आओ, तो वो नहीं ले आ पाएगा, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जिस बिंदु से वो वापस चला गया है, आगे चला गया है, उस पर वापस नहीं लौटा जा सकता। इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अविलोमिता। आप समझ गए हैं, अविलोमिता, उल्टा न कर पाना, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अविलोमिता, अपलटावीपन। इसे यह एक बहुत उनका इंपॉर्टेंट टर्म है। एक बार आइए दोस्तों देखते हैं, लेट्स गो एक बार देखते हैं। बच्चे जिस बिंदु से वापस चले जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते, इसे अपलटावीपन कहते हैं। दोस्तों अगला है संरक्षण का भाव, अगला टर्म है संरक्षण का अभाव। मैंने दोस्तों बराबर आपको बताया था कि अगर आप एक बच्चे को मग दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे,
अगर आप एक बच्चे को मग दिखा रहे हैं ऐसे, देखिए हाँ, आप अगर ऐसे करके एक बच्चे को मग दिखा रहे हैं, ग्लास दिखा रहे हैं कि बेटा यह ग्लास है, वो कह रहा हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं यह ग्लास है, और दोस्तों अचानक अगर आपने अचानक इसे बना दिया ऐसे मग, और आप उससे पूछेगा बेटा बता ग्लास कहां गई, वो कहेगा मुझे ग्लास नहीं दिख रही है, अब मुझे मग दिख रहा है, एग्जैक्ट यही सेंस जो अपलटावीपन का है, बस अंतर इतना है कि यह सिर्फ किसमें होता है, आकृति में होता है। दोस्तों सीटीटी के क्वेश्चन से ही बता रहा हूं, यह सिर्फ किसमें होता है, आकृति में होता है दोस्तों। तो आइए एक बार देखते हैं संरक्षण का अभाव क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लैक ऑफ कंजर्वेशन। एक बार देखेंगे दोस्तों लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या, शुरुआती आकृति में देखेंगे, शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन होने पर, कोई भी परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, शुरुआती आकृति को भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं, संरक्षण का अभाव कहते हैं। दोस्तों एक बार बताएं मुझे क्या हम समझ रहे हैं, दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले गाइस, एक बार शेयर करें और एक बार स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते हैं, इसे आप पलटावीपन कहते हैं। और दोस्तों संरक्षण का भाव सीधा सीधा क्या कहता है कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संरक्षण का भाव। और अब आएंगे दोस्तों आगे चलेंगे, लेट्स गो, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस, फिर आगे चलेंगे दोस्तों, लेट्स गो। दोस्तों शेयर करते रहेंगे, धुआंधार शेयर करेंगे। अभी दोस्तों हम 20-22 मिनट में, दोस्तों यह 22 मिनट हुए हैं इस लेक्चर को, और दोस्तों अभी भी हम लोग कुछ खास नहीं जा पाए गाइस, कुछ भी खास नहीं जा पाए हैं। एक बार दोस्तों मैं चाहूंगा कि बार शेयर करें और आगे निकाले गाइस, एक बार जम के शेयर करें। आइए एक बार आगे चलते हैं, लेट्स गो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रीकरण, 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 और इसे बोलते हैं गाइस सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या कि अगर आप बच्चे को बोलोगे, क्या अगर आप बच्चे को बोलोगे बेटा एक काम करो, तुम बेटा एक काम करो कुत्ता देखो, तो गधा कुत्ता ही देखेगा। वह अगर आप पूछोगे बेटा कुत्ते के कितने कान है, तो बोलेगा माफ करना पापा मैंने फोकस नहीं किया। तो दोस्तों बच्चे सिर्फ उसी बिंदु पर फोकस करते हैं जिस पर उन्होंने फोकस कर लिया, अर्थात एक समय में किसी भी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस करते हैं, और यह दोस्तों कहलाता है सेंट्रेशन। फिर सुनेंगे बच्चे, एक बार ध्यान से देखेंगे, आई बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर, सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, हैं इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे केंद्रीकरण कहते हैं, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों अगला इसको, आइए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा सेंट्रेशन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता, और इसे बोलते हैं दोस्तों इगोसेंट्रिज्म, इगोसेंट्रिज्म। और इगोसेंट्रिज्म दोस्तों क्या है, तो आइए आपको बताते हैं इगोसेंट्रिज्म क्या है। आइए एक बार देखते हैं, आइए बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को, सिर्फ अपने दृष्टिकोण को, कोण को वरीयता देते हैं। क्या देते हैं, वरीयता देते हैं, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, आत्म केंद्रितता। एक बार ध्यान से देखेंगे, बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आत्म केंद्रितता कहेंगे। फिर से देखेंगे, बच्चे सिर्फ अपने, मतलब दोस्तों बच्चा सिर्फ अपने बारे में, आपके पास मैंने बोला था कि अगर रसगुल्ला रहेगा तो आप वाला खा लेगा, पर जब आपको इसकी खाने की बारी आएगी ये भाग जाएगा, आपको नहीं देगा रसगुल्ला, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इसे गाइज हम क्या कहते हैं, इसे हम आत्म केंद्रितता या ईगो सेंट्रिसिटी कहते हैं। गाइज आगे चलते हैं, लेट्स गो, स्क्रीनशॉट लेंगे आगे चलेंगे दोस्तों, लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। और अब आएगा दोस्तों पियाजे के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर देखें दोस्तों। तो आइए एक बार पियाजे के कुछ और दमदार वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों पियाजे का, जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मेरे निगाह में आता है, वो है गाइस सामाजिक संचरण, सामाजिक संचरण, सामाजिक
संचरण, इट्स कॉल्ड सोशल ट्रांसमिशन, सोशल ट्रांसमिशन, इट्स कॉल्ड सोशल ट्रांसमिशन। और ये क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे, वाइगोत्स्की से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, डोंट गेट कंफ्यूज विद वाइगोत्स्की। पियाजे ने नहीं कहा है कि अधिगम के लिए समाज महत्वपूर्ण है, उसने कहा समाज में प्राप्त ज्ञान को बच्चा अपने हिसाब से फिल्टर करता है, प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं, जानकारी बट रही है पर बालक उसको वेरीफाई करके तब सीखता है, और इसे कहते हैं दोस्तों सोशल ट्रांसमिशन, इट्स कॉल्ड सामाजिक संचरण। और एक बार देखते दोस्तों इसको, बच्चे आइएगा दोस्तों, वाइगोत्स्की से यहीं पे अलग हो गया, बच्चे अपने सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में रखने से पहले, स्कीमा में रखने से पहले कुछ संशोधन भी करते हैं, कुछ संशोधन भी करते हैं। दोस्तों मतलब कहने करते हैं कि ज्यों का त्यों नहीं रख लेता है बच्चा, बच्चा प्राप्त सूचना को ज्यों का त्यों अपने दिमाग में नहीं रखता दोस्तों, जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंज करता है। और इसे गाइज हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों सामाजिक संचरण। क्या बोलते हैं गाइज, इसे कहते हैं सामाजिक संचरण। और आइए दोस्तों मैं चाहूंगा कि हम आगे बढ़े दोस्तों, आगे चलेंगे, बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब चलेंगे गाइज हम पियाजे के सिद्धांत पर। और दोस्तों एक भी सिद्धांत अगर आपको समझ में ना आए तो बोलना, खास आप समझा नहीं पाए। अब यहां से दोस्तों धुआंधार अगले आधे घंटे तक हम कवर करेंगे, आइए एक बार शुरू करते हैं, एक बार चलेंगे दोस्तों, इसको आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, पियाजे क्या कहता है एक बार देखेंगे दोस्तों। हम पियाजे के तीन सिद्धांत को ले रहे हैं और पहले पे मैं लूंगा दोस्तों पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों मैं पहला सिद्धांत लूंगा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। और पियाजे ने दोस्तों क्या कहा है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में, एक बार आपको दिखाता हूं। आई तो पियाजे की दोस्तों दोनों अवस्थाएं दिखा रहा हूं आपको, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और दोस्तों एक कई साल से टीटी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पियाजे से, तो एक बार देखते हैं क्या कहता है पियाजे का सिद्धांत। पहले को दोस्तों हम कहते हैं विस्मांगी, ध्यान से देखिएगा इसकी बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालेंगे, परायत नैतिकता, नैतिकता उम्र है दोस्तों 5 से 9 वर्ष, एक बार देखेंगे 5 से 9 वर्ष क्या है भैया, क्या कह रहा है कि नैतिकता ईश्वर या माता पिता ने बनाई है, ईश्वर या माता पिता ने बनाई है, बनाई है, यह निश्चित है। देखिए दोस्तों यह निश्चित है, निश्चित है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। और दोस्तों क्या यहां पापा ने सिखाया जीव को मारना पाप है, क्या दोस्तों उदाहरण दिया, एक बार देखेंगे जीव को मारना पाप है। और यहां दोस्तों कौन सी नैतिकता है देखिएगा, आइए दोस्तों स्वायत्त, स्वतंत्र, स्वायत्त या सहयोगात्मक नैतिकता, सहयोगात्मक नैतिकता। और दोस्तों इसकी उम्र किताबों में 9 से 10 रहती है, पर दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि इसे आप 9 वर्ष से आगे माने, इसे आप 9 वर्ष के आगे माने और क्या होगा दोस्तों एक बार सुनेंगे क्या होगा, क्या नैतिकता निश्चित नहीं है, नैतिकता निश्चित नहीं है, नहीं है, बल्कि परिस्थिति पर निर्भर करती है, परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही दमदार तरीके से इसको देखेंगे, विस्मांगी या परायत्त नैतिकता क्या कह रहा है दोस्तों, कि बच्चा शुरू में क्या लगता है, परायत्त मीन्स होता है जो दूसरे के अधीन हो दोस्तों, बच्चे को लगता है कि मैं, लग रहा है नैतिकता कोई किताब है इतनी मोटी जिसे ईश्वर ने लिखी है या माता पिता ने लिखी है, इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, उसे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। पर दोस्तों इधर क्या है अगला, क्या नैतिकता ईश्वर या माता पिता ने बनाई है यह निश्चित है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। और इधर क्या कह रहा है, जीव को मारना पाप है, इसने रट्टा मार लिया कि अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जीव को मारना क्या है, पाप है। पर दोस्तों इधर देखिए एक बार, इधर देखेंगे हाँ, स्वायत्त या सहयोगात्मक नैतिकता, अब दोस्तों इसे लगा कि नैतिकता वास्तव में किसी ने कोई नैतिकता की किताब नहीं लिखी है, नैतिकता जरूरत पड़ने पर बदली जा सकती है,
और नैतिकता बनी ही इसलिए है कि इसे बदला जाए। कोई भी नियम निश्चित नहीं है, नैतिकता बदली जा सकती है। और इसे दोस्तों क्या कह रहा है, नैतिकता निश्चित नहीं है बल्कि परिस्थितिगत होती है। अब ध्यान से देखेंगे गाइस, जैसा मैं अपने क्लास में बताता हूं कि यह बालक जो लिख रहा है क्या कि पापा ने कहा बेटा जीव को मारना पाप है, जीव पे दया करो। और दोस्तों ये डिसाइड क्या करता है कि आपसे मैं जीव को कभी नहीं मारूंगा। आज दोस्तों ये गलती से आर्मी में भर्ती हो गया। कहां भर्ती हो गया? आज यह आर्मी में भर्ती हो गया दोस्तों। और यहां आप जीव को मारना ही इसकी नैतिकता है। कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो थोड़ी बोलेगा भाई जाओ मेरे पापा ने कहा है, भाई जाओ बॉर्डर क्रॉस कर लो, मैं जीव को नहीं मारूंगा क्योंकि पापा ने कहा है जीव को मारना पाप है। यहां दोस्तों अपवाद है, भैया जीव को मारना पाप है ये सच है, पर इसके भी अपवाद है कि जीव कैसा है। अगर जीव आतंकवादी हो तो उसको मार देना ही दोस्तों नैतिकता है, अर्थात नैतिकता बदल चुकी है। एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे और यस करेंगे ताकि हम आगे चले दोस्तों। आइए एक बार यस करें कि हाँ सर हम समझ गए आपकी बात को, लेट्स गो। यस करें, आइए दोस्तों शेयर करते रहेंगे और एक बार यस करेंगे हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेट्स गो। मुझे दोस्तों बताते रहे और शेयर करते रहे ताकि मैं जान जाऊं कि हम कहां पे हैं, लेट्स गो। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। विस्मांगी या परायत्त नैतिकता, नैतिकता या माता पिता ईश्वर ने बनाई है या जीव को मारना पाप है दोस्तों। यह देखिए गाइस, पहले को कहते हैं नैतिक यथार्थवाद। दोस्तों देखेंगे नैतिक यथार्थवाद मतलब कि नैतिकता जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसे कहते हैं नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता मतलब नैतिकता परिस्थितिगत होती है, कोई भी नैतिकता पहले से निश्चित नहीं होती है, जरूरत पड़ने पर इसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, यह कहलाता है दोस्तों नैतिक सापेक्षता। और अब चलेंगे गाइज आगे चलेंगे दोस्तों, मुझे यकीन है आप समझ चुके हैं। और अब चलेंगे दोस्तों पियाजे का संज्ञानात्मक, देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए दोस्तों देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अब जानेंगे दोस्तों कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, पियाजे के सभी चरण गुणात्मक है। दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। पियाजे के सभी चरण गुणात्मक है। अगला, पियाजे के सभी चरण स्थिर है, जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता। आइए दोस्तों देखते हैं, बदला नहीं जा सकता है। तीसरा, पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। दोस्तों तीन जरूरी बातें जो आपको जाननी है कि पियाजे के सभी चरण गुणात्मक है। दोस्तों पियाजे ने नहीं बताया है कि बच्चा 2 साल में 5 किलो का हो जाएगा। पियाजे ने वेट नहीं बताया बच्चे का, यह बात आपको समझना होगा दोस्तों। पियाजे ने बच्चे का वेट नहीं बताया है, पियाजे ने कहा कि हमारे सारे चरण गुणात्मक है, मैंने गुण बताए हैं, मैंने वजन नहीं बताया है। अगला, पियाजे के सभी चरण स्थिर है, मतलब दोस्तों अब आप खुद सोचो, अगर आप संवेदी पेशी को ऊपर कर दोगे और औपचारिक संक्रियात्मक को नीचे कर दोगे तो 15 साल वाला 2 साल में आ जाएगा और 2 साल वाला 15 साल में पहुंच जाएगा। इसलिए पियाजे के किसी भी चरण का क्रम नहीं बदला जा सकता। अगला दोस्तों देखेंगे, पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी तरह से मात्रा में तो अलग होता ही है, पर उन्होंने कहा पहले प्रकार में अलग होता है। ये 3 पॉइंट पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीन शॉट ले ताकि मैं आगे बढ़ सकूं गाइस, एक बार स्क्रीन शॉट ले जल्दी से ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच सके इस धुआंधार मैराथन के दोस्तों बीच में। तो आइए एक बार शुरू करते गाइस, लेट्स गो। यस आइए शुरू करते हैं। और आइए दोस्तों पियाजे के चरण लेते हैं, पियाजे के चरण दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पियाजे के चरण दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। पहले को दोस्तों हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, और इसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और दोस्तों यह चलती है 0 से
दो वर्ष। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं यहां क्या क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं विशेषताएं, आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पहला, इंद्रिय आधारित अधिगम। इंद्रिय आधारित अधिगम, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। अगला, स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम, आधारित अधिगम। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है इस अवस्था की वो है गाइज वस्तु स्थायित्व। तो क्या है वस्तु स्थायित्व दोस्तों? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट। और एक अवस्था और लिखूंगा दोस्तों, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो आइए दोस्तों एक बार शुरू करते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक बार देखते हैं गाइस। शेयर करते रहे क्योंकि 5 मिनट बाद मैं पियाजे पे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और बहुत ही धुमाधार क्वेश्चन होगा। शुरू करते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इंद्रिय आधारित अधिगम दोस्तों क्या कहता है कि बच्चा, यहां पे दोस्तों उसके पास किताब थोड़ी है कि किताब से सीखेगा, वह सिर्फ इंद्रियों से सीखता है गाइस, सिर्फ इंद्रियों से सीखता है। ठंडी लग रहा है तो चिल्लाएगा, इसलिए बच्चे का अधिगम इंद्रिय आधारित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया गाइस, आपने देखा होगा बच्चा उंगली को यूं ऐसे मुंह में डाल के चूसता है दोस्तों, स्तनपान करने से, फीडिंग करने से, वो जिस काम को सीखता है उसी को बार बार दोहराता है दोस्तों, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं दोस्तों। स्मृति अनुकरण गाइस, उसका अधिगम क्या है भाई, उसने थोड़ी स्टोर किया है तो जब भी कोई चीज आ जाती है, हाँ 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 कल मम्मी ने दोस्तों मुझे खाने के लिए कुछ दिया था, इसलिए वो उसको याद करके रोता है और तब तक रोता है जब तक कि उसको वो चीज ना मिल जाए जिसके लिए वो रोया था। और इसे बोलते हैं क्या दोस्तों, स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम। और इसे बोलते हैं क्या, वस्तु स्थायित्व। मैंने आपको बोला था वस्तु स्थायित्व पढ़ा चुका हूं कि वस्तु ना दिखे तो भी उसका अस्तित्व रहता है। और अगला क्या है दोस्तों, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। पियाजे ने भी दोस्तों विलियम जेम्स के सिद्धांत को माना कि बच्चे में कुछ चीजें जन्मजात होती हैं, उनको सिखाया नहीं जाता, और उसे ही दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, हंसना रोना पैर पटकना, ये हमने नहीं सिखाया गाइस जी, हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। और इसको खुद पियाजे भी मानता है दोस्तों। आइए एक बार शुरू करते हैं, लेट्स गो। और यह रहा दोस्तों हमारा स्टेज नंबर वन। एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे एक बार गाइस, स्क्रीन शॉट लेंगे ताकि हम आगे जा सके। स्क्रीन शॉट ले और आगे चला जाए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले और आगे चला जाए, लेट्स गो। आई शुरू करते हैं, यस आई। नेक्स्ट दोस्तों, अगली अवस्था को कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों मैं इसको दो भागों में बांटूंगा दोस्तों, पियाजे ने इसे दो भागों में बांटा है तो मैं भी इसे दो भागों में बांट रहा हूं, एक बार शेयर करेंगे दोस्तों। पहले को बोलते हैं पूर्व संप्रत्ययात्मक अवस्था, पूर्व संप्रत्ययात्मक अवस्था। और दोस्तों दूसरी को इन्होंने कहा है क्या, अंतःदर्शी अवस्था, अंतःदर्शी अवस्था। और यह चलती है दोस्तों 2 से 4, 2 से 4, और यह चलता है दोस्तों 4 से 7। तो आइए दोस्तों एक बार देखेंगे, मैं इनका इंग्लिश नाम लिख रहा हूं, इसे कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। और इसे बोलते हैं दोस्तों इंट्यूटिव स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज। और दोस्तों अब एक बार देखेंगे गाइस, यहां पे 2 से 4 में दोस्तों 3-4 बड़ी चीजें आती हैं। बालक में विकास होता है सूचकता का, किसका, सूचकता का गाइस। सूचकता का अर्थ क्या है कि बालक समझने लगता है, इसे दोस्तों हम बोलते हैं सिग्निफायर्स। क्या बोलते हैं, सिग्निफायर्स बोलते हैं। बालक समझने लगता है चिन्ह, और बालक समझने लगता है दोस्तों क्या, संकेत। और यहां दोस्तों क्या है, अब वो सारी प्रॉब्लम यहां आएगी, बच्चे में होता है अपलटावीपन, सब दोस्तों आप जानते हैं। दूसरा, बच्चे में अभाव होता है किसका, संरक्षण का अभाव। बच्चे में पाया जाता है क्या, केंद्रीकरण, ठीक है, बच्चे में पाया जाता है गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत, आदि की शुरुआत क्या पाई जाती है, शुरुआत पाई जाती है। बच्चे में पाया जाता है दोस्तों जीववाद, बच्चे में पाई जाती है आत्म केंद्रितता। और दोस्तों मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मैं दोस्तों लिखूंगा एक नोट, नोट दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही भटका हुआ क्वेश्चन जो 1 साल दोस्तों आ गया था और बहुत ही परेशान किया था लोगों को, तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं। उस क्वेश्चन में लिखा गया था क्या, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आत्म केंद्रितता, जीववाद एवं केंद्रीकरण को
पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है दोस्तों। हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है दोस्तों, सीमा माना है। मैं चाहूंगा दोस्तों इसके एक एक शब्द को आप स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, एक एक शब्द को। क्या पियाजे ने दोस्तों आत्म केंद्रितता, जीववाद केंद्रीकरण और पियाजे ने इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है। सीमा मतलब यह इसी अवस्था में पैदा होती है, इसी अवस्था में खत्म हो जाती है, यह अगली अवस्था में नहीं जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं अपरटावीपन। दोस्तों बता ही चुका हूं कि बच्चा वापस नहीं जा पाता शुरुआती बिंदु पर। अगला क्या है, संरक्षण का अभाव। अगर आकृति में आपने थोड़ा सा भी बदलाव किया तो बच्चा पूर्व आकृति को भूल जाएगा। अगला क्या है, गिनती वर्णमाला क्रम आदि की शुरुआत, थोड़ा थोड़ा गिनती, थोड़ा थोड़ा वर्णमाला। दोस्तों परिपक्व नहीं होता, क्योंकि सातवें वर्ष में कोई इतना भी ज्यादा पारंगत नहीं हो जाता। और आएगी दोस्तों जीववाद, खिलौने आदि को जीवित समझता है। आत्म केंद्रितता, दोस्तों यहां दो शब्द है, सूचकता, चिन्ह। देखिए चिन्ह और सूचकता में एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, संकेत पहले जानेंगे। जैसे दोस्तों बच्चे को मां की आवाज सुनना माता के आने का संकेत है, दोनों में अंतर है। आपको एक बार लग रहा होगा दोनों सेम है, पर संकेत चिन्ह अलग है दोस्तों। जैसे बच्चा क्या देखता है कि पापा रोज मोबाइल कहते हैं और ये चीज उठाते हैं, सुनना पापा मोबाइल कहते हैं और ये चीज उठाते हैं, तो दोस्तों उसे हम मोबाइल का चिन्ह समझकर मोबाइल से जोड़ लेता है और यह कहलाता है गाइज क्या, चिन्ह। दोनों बातों में अंतर गाइज, और ये इस अवस्था की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो आइए एक बार चलते गाइज, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां से दोस्तों हर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, हर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको प्लीज एक बार शेयर करेंगे और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। इसे स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, मैं अभी चाहता हूं सिर्फ आप इसके स्क्रीनशॉट ले और आगे चलेंगे। एक बार जम के शेयर करिए गाइस, एक बार दोस्तों जम के शेयर करिए, पूरी ताकत लगाइए। अभी तक दोस्तों हम अभी टारगेट से बहुत पीछे गाइस, बहुत ही ज्यादा पीछे है। आइए शुरू करते हैं आज के दोस्तों, इस टारगेट से हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एक बार दोस्तों शेयर करेंगे, हम 7:42 पे हैं। एक बार शेयर करिए गाइज, एक बार जम के शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें और सिर्फ शेयर करें गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। आइए, अगला है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और यह कहलाती है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज। हाँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज। और दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज दोस्तों कहलाता है क्या, कि जब बच्चे की उम्र चलती है 7 से 11, अब सारे लपड़े दोस्तों खत्म हो चुके हैं, सारे लपड़े। तो मैं चाहूंगा एक बार दोस्तों आप भी जाने हैं क्या क्या है, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, बल्कि मैं तो चाहूंगा दोस्तों कि मैं 2 पेज बनाऊं ऐसे। तो मैं चाहूंगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। अब बच्चा आकृति को समझ जाता है, इसलिए क्या आ गया, संरक्षण। अब बच्चा शुरुआती बिंदु पर लौट सकता है, इसलिए क्या आ गई दोस्तों, विलोमीयता। अब समानता के आधार पर समूह बना सकता है, वर्गीकरण। अब समझ सकता है लंबाई, क्षेत्र, भार, ये सबको दोस्तों समझ सकता है बच्चा। हाँ, अगला है, अब बच्चा समझ सकता है किसको, श्रृंखला को। अब बच्चा समझ सकता है दोस्तों कार्य कारण को। अब बालक समझ सकता है दोस्तों कार्य कारण। अगला, तार्किक चिंतन की शुरुआत। हाँ, तार्किक चिंतन की शुरुआत। अब बच्चे में गुण आ जाता है दोस्तों किसका, विकेंद्रीकरण का। किसका, विकेंद्रीकरण का, अर्थात हम दोस्तों उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब बच्चे में आ जाती है दोस्तों गणितीय संक्रिया, अच्छी तरह से जोड़ने घटाने की बात है दोस्तों। तो एक बार मैं चाहूंगा, एक बार पहले मैं समझा लूं फिर आगे चला जाए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। संरक्षण का भाव, बच्चा अब समझ गया है कि संरक्षण का भाव नहीं गाइज, बच्चा जानता है कि जरूरत पड़ने पर, ध्यान से सुनेंगे, बच्चा जानता है कि जरूरत पड़ने पर आकृति का भले ही रूप परिवर्तित हो जाए पर मूल आकृति हमेशा सेम रहती है, संरक्षण का भाव है गाइज, सॉरी माफ करेंगे, संरक्षण है। विलोमीयता, वो जानता है कि भले आपने 3 में 2 जोड़ दिया, उत्तर 5 आ गया दोस्तों, पर अभी भी 3 और 2 वापस लाए जा सकते हैं, यह दोस्तों क्या है, विलोमीयता। वर्गीकरण, वो समझ गया है कि टी शर्ट जाएगा कपड़े वाले ग्रुप में और बिल्ली जाएगी जानवरों वाले ग्रुप में, अर्थात समान गुणों के आधार पर समान ग्रुप में करता है क्या, वर्गीकरण। लंबाई, क्षेत्र या भार, दोस्तों अब समझ गया है कि लंबाई, क्षेत्र, भार का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। और अगला दोस्तों कार्य कारण, एक बार देखेंगे कार्य कारण, एक बार दोस्तों सब लोग शेयर करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे आज, आप शेयर करिए, जम करके शेयर करिए, जम करके शेयर करिए, जम करके दोस्तों, ये गलत बात है, आप शेयर करें और जम के शेयर करें। और चलेंगे, आइए
कार्य कारण संबंधों समझ गया, किसी कार्य को होने के पीछे कोई कारण है और इसे कह सकते हैं क्या तार्किक चिंतन। क्या था दोस्तों? 10 सेकंड का समय देता हूं, शेयर करिए। ठीक है, 10 सेकंड में शेयर करिए, 10 सेकंड का समय देता हूं, शेयर करें। हर तरीके से ये छा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 10 मिनट बस, 10 सेकंड का समय है, तब से एक घुट पानी पी लेते हैं सर। मतलब कहीं पर बचना नहीं चाहिए। एक बार सारे लोग 10 सेकंड का शेयर, और कहीं पर बचना नहीं चाहिए, फेसबुक व्हाट्सएप मतलब कहीं किसी तरीके से नहीं। और हमें अभी जितनी संख्या, इसकी दुगनी संख्या हमें चाहिए 8 बजे के अंदर, दुगनी संख्या चाहिए। अभी बहुत कुछ बाकी, अभी बहुत आप कह सकते हैं अभी वो मुकाम पाना बाकी है, बस और कुछ नहीं कहेंगे सर, आगे कंटिन्यू करेंगे। बस 10 सेकंड, 5 सेकंड हो चुका है, 5 सेकंड और। यस बिल्कुल। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यस इसको शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, विकेंद्रीकरण, वो समझ जाता है कि एक ही समय में एक ही घटना के कई बिंदुओं पर फोकस किया जा सकता है। और अगला है दोस्तों गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया क्या है दोस्तों? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब बालक समझ जाता है। और ये सारी अवस्थाएं दोस्तों, ये सारी विशेषताएं कब आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अब चलेंगे गाइज, अब आएंगे हम किस पे? और अब आएंगे दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, संक्रियात्मक अवस्था पर। और यह दोस्तों आती है 11 से 15 वर्ष, और इसे बोलते हैं ऑपरेशनल। ध्यान से सुनेंगे, आइए दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देखेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और यह दोस्तों क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? क्या है गाइस? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं कौन कौन से गुण देखेंगे। अब बच्चा वस्तु ना देखे तो भी सोच सकता है, अमूर्त चिंतन आ गया है बच्चे में दोस्तों, आ चुका है कैसा चिंतन? अपसारी चिंतन। बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जा सकता है, बच्चे में आ चुका है कैसा चिंतन? निगमनात्मक चिंतन। बच्चे में आ चुका है कैसा? संकल्पनात्मक। ध्यान से देखेंगे, हाइपोथेटिकल या संकल्पनात्मक चिंतन आ चुका है दोस्तों। और यह रहा कौन, यह रहा क्या? फिर से एक बार देखेंगे, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक, हाइपोथेटिकल। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि आप अगर वो त्रिभुज के बारे में आप कह रहे हैं तो त्रिभुज नहीं दिख रहा है तो भी सोचेगा, और ऐसे चिंतन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अमूर्त चिंतन बोलते हैं। उसके नीचे के चिंतन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अपसारी, कई तरह एक ही समय में खुले अंत वाले प्रश्न। और अगला निगमनात्मक। अब दोस्तों पाइथागोरस जैसे नियम सिद्ध कराए जाते हैं, अर्थात यहां पर नियम से उदाहरण की ओर जा रहे गाइस। और अगला है संकल्पनात्मक, हाइपोथेसिस, क्या कि सिद्ध करिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है दोस्तों, यह हाइपोथेटिकल, इसे हम हाइपोथेटिकल चिंतन कहते हैं दोस्तों। और आइए गाइज अब हम लेंगे इसके प्रमुख चरणों से जुड़े क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं, लेट्स गो, आइए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा एक बार आप शेयर करेंगे। यस यस आइए दोस्तों, और मैं अब चाहूंगा गाइस कि अब लिए जाए दोस्तों कुछ क्वेश्चन किस पे? पियाजे पे। तो आइए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे, एक बार देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के स्कीमा निर्माण के वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित जो होती है वो दो प्रक्रियाएं किस नाम से जानी जाती है? समावेशन और अनुकूलन के, साम्यीकरण और संशोधन के, समावेशन और समायोजन के, समायोजन और अनुकूलन के। गाइस तो मुझे यकीन है आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों, एंड द राइट आंसर इज गाइस, लेट्स गो, एक बार आंसर देंगे, एंड द राइट आंसर इज गाइस व्हाट? सी चेन्नई, अभी अभी आपने पढ़ा है, समावेशन एवं समायोजन इज द राइट आंसर। लेट्स गो, अगला चलेंगे गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत का, देखिए दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन से ही लिया हुआ है, देखेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती गाइज। और मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो मुख्यतः फोकस किया है, पियाजे ने दोस्तों कोई वजन नहीं बताया है,
पियाजे ने सीधा सीधा बोला कि भैया गुणात्मक मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो गुणात्मक पाया जाता है। सो द राइट आंसर इज गाइस द राइट आंसर इज सी चेन्नई। लेट्स गो अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, और गाइस इसे जब आप देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि उत्तर कहां है। और दोस्तों सही उत्तर है गाइस प्रत्यक्षण समायोजन समावेशन स्कीमा। क्योंकि दोस्तों वो कह रहा है कि जानकारी का संशोधन हुआ है, और अगर गाइस जानकारी का संशोधन हुआ है तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है गाइस बी फॉर बॉम्बे। सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। और अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार। अब दोस्तों एक बार ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और आप बताएंगे क्या मैंने आपको उत्तर नहीं बताया है। एक अध्यापिका समान मात्रा में जूस से भरे हुए दो एक समान गिलास दिखाती है, वह उन्हें ऐसे दो गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है, यह पूछती है कि उनमें से किस गिलास में अधिक जूस है। छात्र उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में अधिक जूस है। उसके छात्रों के साथ किससे संबंधित समस्या है? ध्यान से सुनेंगे दोस्तों किससे संबंधित। दोस्तों किससे संबंधित का अर्थ है निगेटिव। इसको प्रश्न को कई बार विवाद हुआ था दोस्तों, मैंने इसको बोला कि इसका उत्तर निगेटिव आएगा तो निगेटिव उत्तर आएगा, तो यहां उत्तर दोस्तों उत्क्रमणीयता है। तो दोस्तों आप समझ रहे, अगर आप लिखोगे अनुत्क्रमणीयता तो यहां समस्या निगेटिव कर देगा, इसलिए इसका उत्तर है गाइस डीप डेनमार्क। ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। हम इस बात को समझ गए हैं दोस्तों, इसको तो गलती से भी आप मत सोचिएगा कि उसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डीप डेनमार्क उत्क्रमणीयता, मतलब कि बच्चा उलट कर शुरुआती बिंदु पर नहीं जा पा रहा है तो यह दोस्तों शुरुआत पे जा रहा है, तो इसलिए शुरुआत पे जाने वाली ही तो समस्या है, वो नहीं जा पा रहा है, इसलिए यह समस्या अनुत्क्रमणशीलता से नहीं है दोस्तों, उत्क्रमणीयता। उत्तर पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है निगेटिव है। और अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? दोस्तों आइए एक बार देखते हैं, खुद बताएंगे आप कि कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। पहला सजीवात्मक चिंतन, आइए सुरक्षित रखने की योग्यता, खुद देखिए दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक प्रतिवर्ती क्रियाएं। दोस्तों सब पढ़ाया गया है गाइस, सारे के सारे अभी इसी लेक्चर से ही ले रहा हूं। और दोस्तों मैंने आपको बोला है जीववादी चिंतन, अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया दोस्तों, मैं चाहता हूं सिर्फ आप फोकस करें। जीववादी चिंतन किसमें आता है दोस्तों? सजीवात्मक चिंतन आता है किसमें, याद करिए किसमें आता है? पूर्व संक्रियात्मक, एक ऑप्शन सुनेंगे, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। सुरक्षित मतलब दोस्तों कंजर्वेशन, सुरक्षित मतलब कि आकृति का नाश नहीं होता भले ही उसका बाहरी रूप बदल जाए, अर्थात दोस्तों बी एक सही ऑप्शन है। फिलहाल मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। परिकल्पित, अभी दोस्तों निगमनात्मक तर्क मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह आता है कौन सी अवस्था में, यह आता है दोस्तों चौथी अवस्था में। और वर्तुलाकार, दोस्तों मैंने पहले बोला प्रतिवर्ती क्रियाओं को ही वर्तुल क्रियाएं कहते हैं दोस्तों, अर्थात यह पहली वाली माती है संवेदी पेशी में। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर छह पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए संवेदी चालिक अवस्था में। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन घूम करके आया है, देखिए पूछने का तरीका सीटेट का, उसी प्रश्न को दोस्तों घुमा दिया है। ये देखिए एग्जैक्ट जो पीछे प्रश्न देखा आपने वही प्रश्न आया है। क्या जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और दोस्तों सीधा जैसे पढ़ाया है एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आया है। और सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। सो अगेन द राइट आंसर इज गाइस, सही उत्तर है व्हाट द राइट आंसर इज गाइस डीप डेनमार्क। और आप जानते हैं सही उत्तर है यस डीप डेनमार्क। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर छह। आइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? उम्र दोस्तों मैच करिए, कक्षा 6 से कक्षा 8 का मतलब आप समझ रहे हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 का मतलब हुआ कि इस उम्र का बालक या 11 के ऊपर होगा अर्थात वह चौथी अवस्था में आएगा, तो इसको सुन करके ही देंगे दोस्तों उत्तर। आई तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए गाइस।
और आप दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं जब तार्किक हो गया है 11 प्लस, तो आप सभी दोस्तों अभी भी सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों लेक्चर से आ रहे हैं, अर्थात तार्किक बहस को जब दोस्तों आप हतोत्साहित करोगे तो काहे कि 11 से 15 अर्थात ऑप्शन निकट गया। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए सिर्फ मूर्त सामग्री, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 11 वर्ष की उम्र में अमूर्त चिंतन का भी विकास हो चुका है, अर्थात यह भी गलत हो गया। केवल दोस्तों रटंत ज्ञान गलत, द राइट आंसर इज गाइज, वही तो बोला गाइज क्या, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित कहानियां निर्भर होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज गाइज बी बॉम्बे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों आइए पियाजे, देखिए गाइज, देखिए एक एक क्वेश्चन दोस्तों पूरा लेक्चर से मैच करेगा। आइए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है, और आप क्वेश्चन से देखिए दोस्तों, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। और गाइज हम समझ गए हैं सही उत्तर क्या है, सही उत्तर गाइज की ए बी सी डी। दोस्तों पहले ही बता चुका हूं एक ऑप्शन मैच हो रहा है एंड द राइट आंसर इज गाइज इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अभी अभी आपने पढ़ा कि बच्चे में दोस्तों इतना चिंतन नहीं होता, को आगे पीछे जाके सोचेगा, उसको गर्मी लगेगी तो गर्मी से बचने के लिए सोचेगा, ठंडी लगेगी तो ठंडी से बचने के लिए सोचेगा, भूख लगेगी तो भोजन की व्यवस्था, पीने की कुछ व्यवस्था के लिए चिल्लाएगा, अर्थात इंद्रियां ही उसके शुरुआत में सोचने का मुख्य अंग है, सेंस ऑर्गन्स के विकास पर उनकी अवस्थाएं डेवलप करती है। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका, सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो, आठवां दोस्तों शुरू करते हैं, मानसिक संरचनाएं। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, इसलिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों, चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जीन या परिपक्व प्रखंड। और दोस्तों एक पूरा का पूरा सेम वहीं से आया गाइज, सेम वहां से आया, और आप समझ गए हैं कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है उनके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है, स्कीमा नहीं, विकास नहीं, जीन नहीं, परिपक्व प्रखंड नहीं। दोस्तों जानबूझ के मैंने किया, आप बताएं सही उत्तर क्या है, द राइट आंसर इज गाइज स्कीमा, सही उत्तर गाइज, सही उत्तर है स्कीमा, विकास का क्षेत्र, वाइगोत्स्की का वर्ड है। आइए दोस्तों एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आइए शुरू करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। आइए दोस्तों एक बार शुरू करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर, संवेगी प्रेरक चरण पर, पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। और गाइज आप बताएंगे सही उत्तर क्या है, लेट्स गो एंड द राइट आंसर इज गाइज व्हाट इज द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज गाइज व्हाट। दोस्तों मैंने अभी आपको बोला कि संवेदी, फिर सुनेंगे एक एक ऑप्शन जस्ट लेक्चर से, एंड द राइट आंसर इज गाइज संवेदी प्रेरक चरण। क्या है संवेदी प्रेरक चरण, चलेंगे दोस्तों 11वां। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है, आइए बार देखते हैं, जितना संभव हो उतना रट्टा मरवाया जाए और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। और गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या कहा भाई पियाजे ने दोस्तों सिंपल इतनी ही बात कही क्या, कि अगर आप विकास चाहते हो गाइज, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप विकास करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है क्या, कि बच्चे को विविध प्रकार के वातावरण उपलब्ध कराइए, कई प्रकार के वातावरण उपलब्ध कराइए जिससे वह सीख सके। एंड द राइट आंसर इज गाइज सीफ चेन्नई, सही उत्तर है सीफ चेन्नई। आइए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से, देखिए गाइज अभी भी हमने बात की, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया जाता है एग्जाम में, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता गाइज। एक बार देखिए क्या कह रहा है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, पहला मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। मैं दोस्तों आपको बस ये दिखाना चाहता हूं कि घूम फिर के एक ही एरिया से प्रश्न पूछे गए, फिर सुनेंगे, घूम फिर के एक ही एरिया से प्रश्न पूछे गए हैं, और ये चीज
यहां से बेहतर हमें कुछ नहीं पता चलती। एक बार देखेंगे, अब देखिए दोस्तों, शिशु आंख कान व हाथों से, दोस्तों एग्जैक्ट वही तो हुआ। पहली अवस्था इंद्रिय आधारित अधिगम और लॉजिक के अनुसार सही उत्तर है गाइस सीप चेन्नई। गाइस सेम टाइप के अलग अलग एग्जाम से निकाले गए प्रश्न है, इसमें से 90% या तो केबीएस से लिए गए हैं या तो सीटेट से लिए गए हैं। अगर दोस्तों आज मुझे यकीन है कि पूरी तरह से हम समझ गए हैं कि पियाजे में कोई भी इतना भी मुश्किल प्रश्न नहीं आता कि आप उत्तर ना दे पाए। आइए दोस्तों एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फला में भिन्न होता है बजाय काहे के। तो उत्तर है दोस्तों कि उनका चिंतन प्रकार में अलग होता है बगैर मात्रा के। दोस्तों किसमें अलग होता है? अभी अभी मैंने दोस्तों 2 मिनट पहले बताया कि बच्चे का चिंतन बुजुर्गों से प्रकार में अलग होता है, मात्रा में तो होता ही है दोस्तों, पर पहले प्रकार में अलग होता है। एक बार देखते क्वेश्चन नंबर 14। आई, निम्न मत से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? फिर से देखेंगे, निम्न मत से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक तर्क। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ उत्तर दीजिए गाइज। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ या कल्पनात्मक खेल, सी शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो आइए दोस्तों एक बार शुरू करते हैं, क्या है सही उत्तर एक बार जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अनुकरण पहली अवस्था में होता है, औपचारिक कह रहा है, अर्थात दोस्तों गलत हो गया। शैशवावस्था में कोई तर्क का अनुप्रयोग करेगा, गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक में कोई दोस्तों निगमनात्मक डिडक्टिव रीजनिंग थोड़ी आएगी, अर्थात ये भी गलत हो गया। और अभी भी देखिए गाइस, मैंने आपको बोला संधारण एवं वर्गीकरण, संरक्षण और वर्गीकरण, सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। इसको अगले क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, एक बार शेयर करते रहे गाइज। 15वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण बताए हैं। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को देखिए दोस्तों, आप देखेंगे एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है गाइज, और आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है गाइज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण प्रस्तावित किए हैं। दोस्तों उसने 5 चरण तो बताया ही नहीं, और हमने सीधा सीधा दोस्तों अब तो इसके ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हैं। पियाजे के चरण गुणात्मक है गाइज, प्रत्येक चरण में नए गुण विकसित होते हैं। इन गुणों को न तो पहले विकसित किया जा सकता है और न तो बाद में विकसित किया जा सकता है, इसलिए उसके सारे चरण स्थिर है, इनका क्रम नहीं बदला जा सकता। एंड द राइट आंसर गाइज सीप चेन्नई। सही उत्तर क्या है? सीप चेन्नई। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कोई 5 साल की लड़की, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। आई, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गाइज? और मैंने दोस्तों इसको बहुत सारे बार आपको समझाया, मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीन शॉट देखें और एक बार इसके उत्तर को बताएं गाइस। सिर्फ उत्तर बताएं मुझे, क्या है इसका सही उत्तर? तो अगर आप इसका सही उत्तर बताएं गाइस, तो सही उत्तर क्या है कि मैंने बोला था कि वाइगोस्की इसे निजी वार्ता कहता है, जबकि पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहता है। अब हम देखेंगे दोस्तों यह ऑप्शन कहां है। आइए, यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के, देखिए दोस्तों ये सेम ही है, सेम क्वेश्चन है। आइए आइए, अब यहां पे दोस्तों देखिए घूम फिर के सेम, आज दोस्तों हमको ये पता चला गया कि पियाजे के क्वेश्चन का एक रेंज है गाइस। जाइए देखते हैं, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की, लेकिन जब वह 9 महीने की हो गई है तो वह इसे ढूंढती है। यह विकास किसको दिखाता है? ऑप्शन ए वस्तुस्थित को, आत्मविभेदीकरण को, अनुकूलन को, या फिर दिखाता है गाइज किसको? स्कीमा को। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं सही उत्तर क्या है, और हम सभी जानते हैं गाइज सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है गाइज
द राइट आंसर इज वस्तु स्थायित्व, क्योंकि यह आ जाता है यानी कि दोस्तों एग्जैक्ट टाइम पियाजे के अनुसार यह आ जाता है कितने महीने में, 6 महीने में। सही उत्तर है 6 महीने। और आइए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आई कपूर की गोली, दोस्तों अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कपूर की गोली को खाने की वस्तु समझकर बालक अपने मुंह में रख लेता है, पियाजे के अनुसार यह क्या है? आत्मसातीकरण है, समायोजन है, साम्य धारण है, संरक्षण है। अब दोस्तों यहां पे तगड़ा लफड़ा होने वाला है जब तक कि मैं ना लिख दूं इसकी इंग्लिश। तो यह रहा असिमिलेशन, यह रहा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मैंने इंग्लिश दोस्तों लिखी हुई है, यह रहा दोस्तों एक्विलिब्रियम, मैंने अभी आपको बोला था एक्विलिब्रियम है, और यह रहा दोस्तों कंजर्वेशन। क्या है? कंजर्वेशन। और हम सभी जानते हैं दोस्तों क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना क्या कहलाएगा? गाइज मुझे यकीन है आप सही उत्तर बताएंगे। क्या? कपूर की गोली को खाने की वो समझकर बालक अपने मुंह में डाल लेता है, मतलब उसे लगता है भैया जो गोली चीज है या खाने वाली कोई, मैंने बताया था ना कोई कैंडी वैंडी खाया होगा, अब इसे ये लगता है कि जितनी भी गोली चीजें होती हैं सब खाने वाली होती हैं, इसलिए दोस्तों उसने उठाकर उसको खा लिया। सो द राइट आंसर इज गाइज व्हाट, ए फॉर अमेरिका, असिमिलेशन इज द राइट आंसर। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। आई एक शिक्षिका, दोस्तों ये पहले ही ले चुके हैं। आई पियाजे के अनुसार कौन सा चिंतन का मुख्य साधन है? ध्यान सुनिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार कौन सा चिंतन का मुख्य साधन है? गाइस अभी भी मैंने आपको बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के चिंतन, मैंने बोला था दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व संप्रत्ययात्मक अवस्था, ध्यान से देखेंगे पूर्व संप्रत्ययात्मक अवस्था, और वह चलती है 2 से 4, और मैंने अभी आपको बताया कि उसमें सूचकता का गुण आ जाता है, और मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था बच्चे दोस्तों काल्पनिक खेल खेलते हैं। एंड द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क, संकेत चिन्ह कल्पनात्मक खेल, एंड द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। आइए शुरू करते हैं, किसके विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ऑप्शन ए पावलोव, यूंग, पियाजे, स्किनर। तो आइए एक बार दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, किसके विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? पावलोव ने, यूंग ने, पियाजे ने? और गाइज ये तो आपने रट्टा मार लिया है, हजारों बार बता चुका हूं, द राइट आंसर इज गाइज पियाजे, बी फॉर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों शुरू करते हैं, निम्न में से किसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहला आत्म केंद्रित होना, एक एक शब्द मिल रहा है दोस्तों, एक बार देखेंगे, जीववाद, अपलटावीपन, दोस्तों एक एक शब्द आप मैच कर सकते हैं, संधारण बोले तो संरक्षण। आइए गाइस एक बार उत्तर देंगे, मैंने दोस्तों सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो गाइज आप ग्राफ देख सकते हैं, आत्म केंद्रितता पाई जाती है, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं। गाइज जीववाद पाया जाता है, यह भी हमारा उत्तर नहीं है, आप समझ रहे हैं। अगला अपलटावीपन भी पाया जाता है, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं है। सही उत्तर है दोस्तों संधारण या संरक्षण, एंड द राइट आंसर इज गाइज डीप डेनमार्क। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गाइज डीप डेनमार्क। और अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24वां, किसके अलावा, अब देखिए दोस्तों फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन। आई निम्न में से किसके अलावा बाकी सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? फिर से आप मैच कर सकते दोस्तों, आप देख सकते, पहला पलटावीपन, आगमनात्मक तर्कड़ा, दैहिक चिंतन, संधारण या संरक्षण का अभाव। और गाइज हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है गाइज क्या, कि संरक्षण का अभाव पाया जाता है किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सो द राइट आंसर इज गाइज डीप डेनमार्क। एक एक दोस्तों क्वेश्चन सीधा का सीधा मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे वहीं से आए। गाइज आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व को परिवर्तन समझने लगता है? दोस्तों ध्यान सुनेंगे, द्रव्यमान,
द्रव्यमान और संख्या, संख्या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो अगर हम पियाजे को देखें तो अभी भी मैंने आपको समझाया, अभी अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया गया, जस्ट 5 मिनट पहले बताया कि बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या दोस्तों मैंने अभी आपको बोला द्रव्यमान भी समझने लगता है, संख्या भी समझने लगता है और क्षेत्र भी समझने लगता है। सो द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क, सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। पियाजे के अनुसार निम्न मत से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है गाइस? दोस्तों आरंभ, आरंभ कह रहा है यहां दोस्तों, यह शब्द मैंने आपको लिखा भी है ग्राफ में। पियाजे के अनुसार निम्न मत से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष और ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और गाइज वैसे तो पूरा का पूरा ग्राफ से ही मैच कर रहा है, पर मैं खुद कहता हूं जब पियाजे को पढ़ रहे गाइज तो पियाजे की किसी भी अवस्था को इस तरह पढ़े गाइज, इस तरह से पढ़े कि उसके कोई भी गुण, दोस्तों पियाजे ने खुद कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरी अवस्थाएं वही उसी एज से शुरू हो जिसमें मैंने लिखा है। उन्होंने कहा हो सकता है अवस्थाएं आगे पीछे हो जाए। सो द राइट आंसर इज गाइज मूर्त, क्योंकि शुरुआत कर रहा है परिपक्व नहीं। अगर परिपक्व पूछता तो उत्तर ये होता गाइज, पर क्योंकि इसने शुरुआत पूछी इसलिए एक अवस्था पीछे जाके क्या लगाएंगे डीफ डेन मार्क। अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। छिपी हुई वस्तुएं, देखिए गाइज एक एक क्वेश्चन मैं आज आपको ट्रेंड दिखाना चाहता हूं कि ले देकर क्वेश्चन एक ही टाइप से आए हैं। आई छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न मत से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन ए साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। गाइज आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं गाइज कि सही उत्तर क्या है। एंड द राइट आंसर इज व्हाट, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज गाइज वस्तु स्थायित्व। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व, सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व। और आइए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नवीन जानकारी को, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है क्या? एंड द राइट आंसर इज गाइस समायोजन, अकोमोडेशन, समायोजन इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए, निम्न मत से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की का सही वर्णन करता है? दोस्तों ये गाइज कंपरेटिव, देखिए दोस्तों जो कंपरेटिव अध्ययन है, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी वाइगोत्स्की पियाजे का कंपरेटिव अध्ययन क्या है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव डालती है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। और आइए शुरू करते हैं, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म ले लेते हैं। सो द राइट आंसर सी चेन्नई, ये कंपरेटिव अध्ययन है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आइए आगे चलते हैं इसको। आइए, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण, आइए दोस्तों सारे वर्ड्स हम अपने लेक्चर से ही ले रहे हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां क्यों ना बदल जाए। और अगला है गाइस, परिकल्पना पर विविधता परीक्षण से सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। गाइज मुझे यकीन है आप समझ रहे हैं पूरा का पूरा लेक्चर से ये। गाइज दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, या वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है गाइज सीप चेन्नई, सही उत्तर है सीप चेन्नई। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक में अवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्न कारकों में से किसे उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? पहला परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की अयोग्यता,
व्यक्तिगत कल्पित कथा विचार की अनुत्क्रमणशीलता गाइज। आइए एक बार देखते हैं और हम जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। वी नो व्हाट इज द राइट आंसर और द राइट आंसर इज गाइज व्हाट विचार की अनुत। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है पूरे के पूरे दोस्तों लेक्चर से विचार की अनुत्क्रमणशीलता। एक बार आगे चलते दोस्तों आइए। मध्य बाल्यावस्था में भाषा, दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर लूंगा एक क्वेश्चन या थोड़ा सा रह गया है, आइए शुरू करते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बार देखेंगे, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह क्या है? दोस्तों मैंने अभी आपको बोला, अभी मैंने बोला कि यह कार्य कारण संबंध है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। एंड द राइट आंसर इज गाइस सी चेन्नई। और अगला चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट इज आई। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समावेशन का अर्थ क्या है गाइज? अब आप खुद से देखेंगे, कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में समावेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय माप का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समावेशन तथा पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, और प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। गाइस आइए शुरू करते हैं और हम सभी जानते हैं गाइस सही उत्तर क्या है। मैंने अभी भी आपको बताया कि पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए नई जानकारी को जोड़ लेना कहलाता है क्या? समावेशन। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, और अब आएंगे गाइस कोहलबर्ग इज द राइट मैन। और आइए दोस्तों अब चलते हैं, हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट एंड दिस इज गोइंग टू बी Yes, and this is going to be, guys, what the right answer is. This is going to be Vygotsky. Vygotsky, Lev Vygotsky. दोस्तों सिंपल सी बात समझेंगे, केवल जरूरी बात है दोस्तों। Vygotsky ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया है? सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। गाइस सिंपल सी बात है, मैंने हमेशा बोला उनके सिद्धांत के दोस्तों कई नाम है, इसे आप सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक बार देखते गाइस, मतलब आप, मैं शब्द हमेशा समझाता हूँ गाइज, अगर इस शब्द को काट देते हैं तो यह सिद्धांत पियाजे का है दोस्तों। किसका है? पियाजे का है। मतलब दोस्तों Vygotsky के सिद्धांत को होने के लिए शर्त है इसमें सामाजिक जरूर आना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि उनके सिद्धांत का पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है गाइज? सामाजिक अंतःक्रिया। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति समाज से अलग होने के बाद विकास नहीं हो सकता। विकास का मूल आधार है दो लोगों का आपस में बात करना, आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, और इसी को कहते हैं दोस्तों क्या? हम सामाजिक अंतःक्रिया। और अब आएंगे दोस्तों आगे चलेंगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले पॉइंट पर दोस्तों। अगला पॉइंट लेने से पहले मैं चाहूंगा एक बार स्लाइड्स को ओपन कर लिया जाए। यस लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस लेट्स गो आई, और आइए दोस्तों आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो आगे गाइस रहा नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी ज्यादा ज्ञानी दूसरा दोस्तों, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। और दोस्तों इसे हम बोलते हैं MKO, और इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? मोर नॉलेजेबल नॉलेजेबल अदर। सही उत्तर है दोस्तों मोर नॉलेजेबल अदर, या इसे बोलते हैं MKO। क्या? बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा गाइस, ध्यान सुनेंगे एक एक कॉन्सेप्ट। हाँ, बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा, देखेंगे, बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा, व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज्यादा जानता हो, उससे ज्यादा जानता हो। जैसे दोस्तों बताने कोई जरूरत नहीं है, यह ज्यादा ज्ञानी दूसरा कोई भी हो सकता है दोस्तों, माता पिता हो सकते हैं, बच्चे के दोस्तों शिक्षक हो सकता है, बच्चे की कक्षा का दूसरा बच्चा भी हो सकता है दोस्तों, बच्चे की क्लास का दूसरा बच्चा हो सकता है जिसकी गणित उससे बेहतर हो, या फिर दोस्तों एक ऐसा भी बच्चा हो सकता है, या एक ऐसा भी बच्चा हो सकता है दोस्तों हमसे उम्र में छोटा व्यक्ति भी हो सकता है,
बस शर्त है को हमसे ज्यादा जानता हूं गाइस, और इसलिए ज्यादा ज्ञानी दूसरा उनका बहुत ही फेमस टर्म है दोस्तों, बहुत ही फेमस टर्म है। और आइए चलते गाइस अगला, आप सभी जानते हैं दोस्तों उनका अगला टर्म है ज्योन आप दोस्तों, संभावित, संभावित विकास का क्षेत्र, देखेंगे संभावित विकास का क्षेत्र, और इसे कहते हैं गाइस ZPD, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या गया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मैं एक बार आपको बताता हूं क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों, बच्चे का खुद का प्रयास, देखिए गाइस यहां पे मैंने सी लिखा है चाइल्ड, जहां तक बच्चा खुद पहुंच सकता है, जहां वयस्क की मदद उसे पहुंचा सकती है, इन दोनों के बीच का अंतर ही दोस्तों क्या कहलाता है ZPD। फिर सुनेंगे, जहां वयस्क की मदद बच्चे को पहुंचा सकती है, और जहां बच्चा, ध्यान सुनेंगे, यस आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो, इसको लेना है इसमें, ठीक तो है समायोजन, ओके ओके ठीक, कोई चल आइए शुरू करते हैं, इसको आइए लेट्स गो आइए। तो दोस्तों ये रहा जहां तक बच्चा खुद पहुंच सकता है, जहां वयस्क की मदद उसे पहुंचा सकती है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है ZPD है दोस्तों। हम उनके एक और टर्म को लेंगे और उसका टर्म कहलाएगा क्या, द नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी गाइज व्हाट, और अगले टर्म का नाम है दोस्तों एक उनके और टर्म का जिसे हम इसके फोल्डिंग कहते गाइज। दोस्तों आपको पहली बार बता दूं कि इसके फोल्डिंग वास्तव में उन्होंने एक ही टर्म दिया है गाइज जिसका नाम क्या है ZPD है दोस्तों। ZPD वो एरिया होता है जो वयस्क की मदद से पूरा किया जाता है, उसी के दौरान दोस्तों जो ढांचा निर्माण के लिए, बेस बनाने के लिए जो मदद देता है दोस्तों, वह मदद दो तरह से हो सकती है, संपूर्ण मदद हो सकती है या फिर अधूरी मदद हो सकती है। जैसे दोस्तों कहने का क्या है, एक बच्चा, देखिए दोस्तों ZPD के दो उदाहरण एक बार सुनेंगे, दोनों हैं कंप्लीट ZPD है, जैसा मैं आपको हमेशा क्लास में बताता हूं, बच्ची दोस्तों एक लगा रही है पैर खोल के किसके, हाथी के, पहले तीनों पैर गए, ध्यान सुनेंगे, पहले तीनों पैर सीधे रखे गए हैं, चौथा पैर उल्टा रखा गया है दोस्तों, क्या रखा गया है, चौथा पैर उल्टा रखा गया है। जब वह जोड़ना शुरू करती है दोस्तों, ध्यान सुनेंगे, जब वह जोड़ना शुरू करती है तब उसे समझ में क्या आता है गाइज कि मेरा चौथा पैर जोड़ नहीं रहा है, तब बाइक उसकी दोस्तों से जाते हैं और उसे क्या बताते हैं कि बेटा इस पैर को सीधा करो, यह संपूर्ण मदद है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ पैर को सीधा करने से जुड़ी थी, यह कंप्लीट मदद है, यह शुद्ध उदाहरण है इसके फोल्डिंग का। और दोस्तों अगर बच्चे को साइकिल सिखाना, दोस्त माफ करेंगे इसे ZPD बोलेंगे, और दोस्तों जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो दोस्तों हमारे साइकिल चलाने से बच्चा थोड़ी साइकिल चलाएगा, तो शुरुआत में उसकी हैंडल पकड़े रहना, उसकी सीट पकड़े रहना, शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है, मतलब जैसे जैसे बच्चा खुद साइकिल चलाना सीखेगा यह घटती चली जाएगी, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इससे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है, और जब बच्चा पूरी तरह से सीख लेता है तो शून्य हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं ढांचा निर्माण। ध्यान से देखेंगे, इसके हिंदी में बहुत सारे नाम है, ढांचा निर्माण, इसे बोलते हैं पाइट, इसे बोलते हैं गाइस पाड़, और इसे बोलते हैं मचान, दोस्तों बहुत सारे नाम है, इसके हिंदी में बहुत सारे नाम है, हिंदी में देखिए गाइस, कई बार हिंदी में मैं खुद धोखा खा जाता हूं, इसलिए हिंदी में एक बार थोड़ा सा हिंदी यहां पे इस शब्द को ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको दोस्तों सीधा सीधा बताऊंगा कि कई बार हमसे खुद धोखा हो जाता है, इसलिए आप इसकी इंग्लिश लिखिए, इसके फोल्डिंग, इसलिए दोस्तों इंग्लिश को जब भी आप जाएंगे तो गाइस जब क्वेश्चन देखते वक्त आप सारे इंपॉर्टेंट टर्म की इंग्लिश जरूर याद रखें। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो आइए नेक्स्ट, यस देखते दोस्तों, और अब रहा भाषा विचार से पहले, भाषा विचार से पहले, तो दोस्तों सीधा सीधा बोलेंगे
इसके दो पार्ट दिए हैं वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा दो पॉइंट्स, पहला शुरुआती, यहां से देखेंगे, शुरुआती दो वर्ष में भाषा एवं विचार, देखेंगे भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। क्या कह रहा है कि शुरुआती दो वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, भाषा एवं विचार, पर उसने कहा तब भी भाषा विचार पे हावी होती है। मैंने दोस्तों आज सुबह ही अपने बच्चों को बताया क्या कि अगर एक बंदा गूंगा है तो इशारा करके दुकान पे पानी मांगेगा, खाने के लिए कुछ बोलेगा, अरे भाई मुझे खाने के लिए दो। अब वहां खड़ा है यार, दिमाग में विचार बहुत सारा चल रहा है क्या कि जाऊं मैं नमकीन खा लूं, मैं चाय खा लूं, मैं समोसे खा लूं, मैं बर्गर खा लूं। दुकान के सामने खड़े रहने से दुकानदार क्या सोच करके अपने से वस्तु दे देगा? नहीं देगा। इसलिए दोस्तों उसने कहा कि भले दो सालों में भाषा और विचार, देखिए भले उसने कहा शुरुआती दो वर्षों में भाषा विचार बच्चे में अलग अलग होते हैं, फिर भी उसने कहा फिर भी भाषा विचार पे हावी होती है। और फिर उसने दोस्तों क्या कहा, उसने कहा दो वर्षों बाद, ध्यान से सुनेंगे, दो वर्ष बाद शाब्दिक भाषा के उदय होने पर, शाब्दिक भाषा के उदय होने पर, उदय होने पर उसने कहा विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। उसने कहा एक बार विचार प्रकट करना आसान हो गया तो इससे सिंपल सी बात क्या भाई, विचार पहले भी था नहीं प्रकट हो पाया, भाषा थी पर साफ नहीं थी, अब फिर से विचार है पर प्रकट करना आसान है। क्योंकि प्रकट करने के लिए गाइस क्या है, प्रकट करने के लिए भाषा है गाइस। इसलिए उसने कहा क्या कि भाषा वह सड़क है, भाषा को उस सड़क के रूप में मानेंगे जिस पर से दोस्तों विचार की सवारी निकलती है। इसलिए गाइस हम कह सकते हैं कि भाषा विचार से पहले है। और अब आएंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और यह रहा पियाजे ने क्या दोस्तों वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट, किसका, निजी वाक का। ध्यान से देखेंगे निजी वाक, और इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। क्या बच्चे, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बच्चे खुद से बातें करके, खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, कार्यों की योजना बनाते हैं। एक बार देखेंगे, प्राइवेट स्पीच, बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। दोस्तों अब यहां पे इस बात को, इसको उसने क्या कहा है दोस्तों, निजी वाक कहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये गाइस सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा अभी बीच मैंने क्वेश्चन लिया था और वो अभी भी आएगा कि बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, नहीं नहीं मुझे नीला वाला नहीं पीला वाला जूता चाहिए, वह चाहिए जिससे पूरा का पूरा खेल बन जाएगा। तो बच्चा बात कर रहा है प्लस उस काम को किए भी जा रहा है, अर्थात बच्चा बात तो खुद से कर रहा है लेकिन साथ ही साथ जो बोल रहा है लगभग उसको करता भी जा रहा है या बाद में कर रहा है। इससे निजी वाक कहते गाइस, क्या कहते हैं, निजी वार्ता। और यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किसका, वाइगोत्स्की का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है, बहुत ही ज्यादा बार आ चुका है। सो द राइट आंसर इज गाइस निजी वाक, और इसको एक बार ध्यान रखेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लेंगे वाइगोत्स्की का दोस्तों एक कोटेशन, जैसा आपको बता ही चुका हूं, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ, समवयस्कों के साथ वार्तालाप या अंतःक्रिया करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। मतलब दोस्तों फिर से वापस आ गए हैं, उनके सिद्धांत पे वापस आ चुके हैं कि लोग इंटरेक्शन द्वारा सीखते हैं, लोग बातें करके सीखते हैं, लोग पारस्परिक शिक्षण। मतलब दोस्तों अगर इसका मैं प्रयोग कहूं, अगर मैं आपको इस सिद्धांत का एप्लीकेशन बताऊं तो कह रहा है कि लोग सीखते हैं किससे, पारस्परिक शिक्षण से। पारस्परिक शिक्षण का अर्थ है कि अगर दो हमउम्र साथी एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक की गणित अच्छी है एक की हिंदी है, तो एक दूसरे से सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, इसको उन्होंने पारस्परिक शिक्षण कहा है दोस्तों। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है समूह गतिविधियों, मतलब आप सीख सकते हैं किससे, समूह गतिविधियों से। और गाइस जब आप इसको, इस चीज को करेंगे तो अब गाइस हम आएंगे उनके अगले सिद्धांत पर, और वो ये है गाइस, लेट्स गो टू टेक द क्वेश्चंस ऑफ वाइगोत्स्की। दोस्तों अब हम वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन लेंगे, आइए शुरू करते हैं इसको।
आइए तो दोस्तों कोहलबर्ग को हम इसे लास्ट में ले रहे हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, वाइगोत्स्की से शुरू करते हैं। इसको यस यस वाइगोत्स्की शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आइए, ओह माफ करेंगे ये दोस्तों वाइगोत्स्की का क्वेश्चन नहीं, आगे चलेंगे। यस आई सर्कल ऐसा करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को ध्यान से देखेंगे सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं गाइस, फिर से सुनेंगे। जब बच्चे के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड, अतः व्यक्तिनिष्ठता, खोज पूर्ण अधिगम। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि जब वयस्क, ध्यान से सुनेंगे, जब वयस्क बच्चे के सामाजिक मतलब दोस्तों वर्तमान परफॉर्मेंस को उसके पॉसिबल मतलब गाइस कहने का अर्थ है कि मैंने क्या बोला था कि उसको पैर जोड़ना आता था, सिर्फ सीधा करना नहीं आता, इसीलिए गाइस इसको संभावित विकास का क्षेत्र क्यों कहा गया, संभावना पूरी है, सिर्फ मदद चाहिए गाइस, सिर्फ मदद चाहिए। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आइए शुरू करते हैं इसको अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच के संबंध को दिखाता है? ऑप्शन ए विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। गाइज मैंने आपको पहले बोला था उन्होंने क्या कहा कि विकास और अधिगम पैरेलल चलते हैं, दोनों के दोनों पैरेलल चलते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस डी डेनमार्क। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। मौखिक संवाद, देख सकते हैं आप मौखिक संवाद जो अपने बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? आइए व्रंत वार्ता, समस्वरूपात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता? और गाइज अभी अभी हमने लिया है इसका सही उत्तर क्या है गाइज, यह कहलाता है प्राइवेट स्पीच। क्या कहलाता है? प्राइवेट स्पीच। एंड द राइट आंसर इज गाइज व्हाट? दोस्तों ध्यान से रखेंगे यह पियाजे का शब्द है गाइज, इसको भी याद रखेंगे, यह पियाजे का शब्द है, इसे इगोसेंट्रिक वार्ता कहते हैं दोस्तों, इगोसेंट्रिक स्पीच, इसलिए इसके धोखे में ना आएंगे, व्यक्तिगत वार्ता इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, दोस्तों ये तो वही वाला है। आइए इसको किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जाएगा? ऑप्शन ए लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा। दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है गाइज, एंड द राइट आंसर इज गाइज अल्बर्ट, यस राइट आंसर इज गाइज अल्बर्ट बंडूरा, नो जीन पियाजे, नो द राइट आंसर इज गाइज लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर। और अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर आइए देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और ये पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। और गाइस हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है, उन्होंने सीधा सीधा कहा, उन्होंने दो चीजों पे इंपॉर्टेंट दिया दोस्तों, सोसाइटी को और लैंग्वेज को। उन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास पर कोई जोर नहीं दिया है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक संज्ञानात्मक विकास कहा है। सो द राइट आंसर गाइस ए फॉर अमेरिका, सही उत्तर क्या है ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर आइए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को पृथक नहीं किया जा सकता किससे, एक बार देखेंगे गाइस, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को किससे पृथक नहीं किया जा सकता? दोस्तों ऑप्शन है पुनर्बलन से, बी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से। और गाइज उनके सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो सही उत्तर क्या है गाइज, उनके सामाजिक संदर्भ से। सही उत्तर क्या है? उसके सामाजिक संदर्भ से। आइए एक बार देखते हैं अगला
लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन किस प्रकार करेंगे? मानकीकृत परीक्षण पर, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न पर, वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों पर, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट पे? और गाइस जब आप इसको भी ध्यान से देखेंगे आपको उत्तर तुरंत समझ में आएगा। मैंने बोला गाइस जब आप वाइगोत्स्की पे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इस पे वरीयता देंगे क्या कि यह एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस वो ये है इसमें एक समूह अधिगम का अर्थ है। और जब आप इसको समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों द राइट आंसर इज सहयोगी प्रोजेक्ट। सही उत्तर क्या है? सहयोगी प्रोजेक्ट। और आइए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सच है? ऑप्शन ए भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है गाइस। और हम सभी जानते हैं गाइस सही उत्तर क्या है। हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। एंड द राइट आंसर इज गाइस आराम से भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। सारे क्वेश्चन पूरी तरह से प्रैक्टिस से आई इसको क्वेश्चन नंबर 62। जब वयस्क ये दोस्तों हम ले चुके हैं आई वाइगोत्स्की के अनुसार आप देखिए दोस्तों ऐसे एक बार वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी क्या है गाइस ध्यान से देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है वह। और गाइस हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज गाइस बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से, यस बीप बॉम्बे इज द राइट आंसर। जहां तक बच्चा खुद पहुंच सकता है, जहां हमारी मदद उसे पहुंचा सकती है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा दोस्तों? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आइए दोस्तों ये पहले ही ले चुके हैं, आइए ये भी ले चुके हैं, डबल हो गया है। दोस्तों एक जबरदस्त दोस्तों दोनों ही आ चुके हैं, एक बार देखेंगे। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों का एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। और गाइस हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। गाइस मैं पहले ही बता चुका हूं एक प्रमुख विभिन्नता है। तो अब आपको लग रहा होगा सी और डी में, तो गाइस दोनों ने, मैंने आपको लेक्चर के, मैंने बोला एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि दोनों मानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में क्या है? प्रमुख विभिन्नता है। और जब आप विभिन्नता देखेंगे तो सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग है वाइगोत्स्की, क्योंकि इन्होंने विभिन्नता अंतर पूछा है। वाइगोत्स्की कहता है भाषा पहले आती है विचार बाद में आता, पियाजे बोलते हैं विचार पहले आएगा भाषा बाद में आती है। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई आई। इसको क्वेश्चन नंबर 67। वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों में व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? दोस्तों सेम टाइप के, अगर आप देखिए तो एक, मैं आज आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेंज क्वेश्चंस का एक रेंज बना हुआ है, उस रेंज से बाहर बातें नहीं जा रही। आई वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, और अगला स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। और गाइस अभी अभी मैंने बोला आपको कि व्यक्तिगत, आप सभी जानते गाइस मैं आपको जिस दिखा रहा हूं देयर इज अ रेंज ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का दोस्तों एक रेंज है, उस रेंज से ऊपर नहीं जाएगा वो, उस रेंज पे ऊपर वह नहीं जाएगा। सो द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। सभी जानते गाइस हम इसको पहले भी ले चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आइए फिर से देखेंगे।
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की अगर होते तो किस कथन से सहमत होते? कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत होते? ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब व्यक्ति उनके लिए आकर्षक पुरस्कार बनाए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाए। और बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। आइए गाइस एक बार देखते हैं क्या सही उत्तर है। एंड द राइट आंसर इज गाइस कि हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। सीधा सीधा जो मैंने आपको बोला कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और पूरा दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि पेपर का एक रेंज है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अब आप खुद ही उत्तर लगा रहे होंगे। और अब दोस्तों हम चलेंगे, आज लास्ट बंदे को लेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी हु? दिस इज गोइंग टू बी लॉरेंस कोहलबर्ग। आइए दोस्तों बस शुरू करते हैं इसको। आइए लॉरेंस कोहलबर्ग गाइस आइए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग आइए शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा इसकी दो तीन बातें, मैं चाहूंगा कुछ फैक्ट है जो आप जान ले। आइए इसको कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन टू दूसरा क्वेश्चन, उनका यह सिद्धांत हिंज नामक एक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन पर आधारित है जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। बाद में कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया। इसमें दोस्तों हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उनका यह सिद्धांत हिंज नामक एक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। बाद में कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया गया। आइए एक बार शुरू करते हैं, लेट्स गो। आइए शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। यस नेक्स्ट कोहलबर्ग शुरू करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में तीन शब्द महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहां पे मैं चाहूंगा कि तीनों शब्दों को आप बहुत साफ सुथरा देखेंगे। बार बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप तीनों शब्दों को देखें। मैं एक बार लिखूंगा अभी इनके बारे में। पहले को बोलते हैं दोस्तों नैतिक तर्कड़ा। क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कड़ा। दूसरे को बोलते हैं नैतिक दुविधा। और तीसरे को बोलते हैं दोस्तों नैतिक कार्यवाही। नैतिक कार्यवाही है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए तो क्या कहलाता है एक बार देखेंगे। पहला यस सही गलत के निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया
चिंतन प्रक्रिया। सही गलत निर्धारित करने की दुविधा। और तीसरा, सही गलत पर विचार करने के बाद चयनित नैतिक व्यवहार। दोस्तों तीन उनके बहुत ही बारीक शब्द हैं गाइस, बहुत ही बारीक शब्द हैं। उन्होंने क्या कहा, सही गलत। देखिए गाइस सिंपल सी बात है, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे आपको तीन चार बातें समझ में आएगी। पहला नैतिक तर्क रहा, उन्होंने कहा दोस्तों कि सही गलत का निर्णय लेने के लिए जो आप सोचते हो, चिंतन गाइस सिर्फ चिंतन, अगर आप चिंतन नहीं कर रहे हो तो नहीं मायने जाएगी। तो नैतिक तर्कड़ा, तर्कड़ा का मतलब होता है गाइज, मैं आपको चाहूंगा कि आप इसकी इंग्लिश भी देखें, इट्स कॉल्ड मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग इसे बोलते हैं दोस्तों, मोरल डायलेमा। और दोस्तों इसे बोलते हैं मोरल एक्शन। अरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तब आपको ये बात समझ में आएगी क्या कि नैतिक तर्कड़ा क्या है। सही गलत गए जानते हैं, जैसे हिंज, एक बार दोस्तों कहानी सुनते हैं किसकी, हिंज की। और दोस्तों यहां से तीनों शब्द आपको समझाता हूं। हिंज की बीवी को दोस्तों एक कैंसर था, आराम से सुनेंगे, और उसकी बीवी दोस्तों मर रही थी। अचानक पड़ोस के डॉक्टर ने एक दवा खोज निकाली जो उस कैंसर का इलाज था गाइज, और हिंज के पास पैसे भी थे, डॉक्टर साहब के पास दवा भी थी। हिंज पैसे लेके जाता है डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब अपनी दवा का दाम। लेकिन दोस्तों अभी आपको यह भी पता चलेगा कि नैतिक कार्यवाही क्या है, डॉक्टर साहब दवा का दाम बढ़ा देते हैं दोस्तों, कई पैसे कम पड़ जाते हैं किसके, हिंज के। और अंत में हिंज कोई रास्ता नहीं बचता, उसकी बीबी मर रही होती दोस्तों, इसलिए हिंज आओ देखता है ना ताओ दोस्तों, पूरी की पूरी दवा रात में डॉक्टर साहब के घर का दरवाजा तोड़ करके चुरा लेता है। दोस्तों यह समस्या कुछ बच्चों के सामने, 10 से 16 वर्ष के बच्चों के सामने रखी किसने, सो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और उन्होंने जो विविध उत्तर दिए गाइस, उन्होंने उस आधार पर अपने बनाए क्या चरण, तो आइए एक बार देखते हैं। तो अब देखिए गाइस पहला क्या है कि कौन गलत है, बच्चे के लिए पहली बात क्या है कि कौन गलत है, हिंज गलत है या फिर कौन गलत है, डॉक्टर। यह दोस्तों सिर्फ इतना ही है नैतिक दुविधा, यहां चिंतन नहीं शामिल है दोस्तों, क्योंकि उसे किसी एक को, अभी थोड़ी बोलेगा दोनों गलत है, किसी एक को गलत किसी एक को सही बनाना है। अब दोस्तों यह इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, और इसके लिए जो बच्चा लंबा चौड़ा सोचेगा इसे हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कड़ा। और दोस्तों अभी आपको बता दूं यहां पे नैतिक कार्यवाही भी है गाइज, ऐसा नहीं कि नैतिक कार्यवाही नहीं है। एक बार आपको लग रहा होगा अरे यार हिंज ने दवा चुरा ली तो हिंज भी गलत है, डॉक्टर साहब ने दवा ऊंचे दाम पर बेचना चाहा ये भी गलत है, पर दोस्तों प्रश्न है नैतिक कार्यवाही क्या है। तो गाइज नैतिक कार्यवाही आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर किसी की जान बच रही है तो फिर सुनेंगे, अगर किसी की जान बच रही है तो चोरी कर लेना भी पाप नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां नैतिक कार्यवाही है क्या कि हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, हिंज ने ठीक किया, डॉक्टर की दवा चोरी हो गई, डॉक्टर अपनी दवा दोबारा बना सकता है, पर क्या हिंज की वाइफ दोबारा जिंदा हो सकती है, नहीं। तो यहां नैतिक कार्यवाही दोस्तों क्या है, इसलिए दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा क्या कि नैतिक तर्कड़ा, यहां देखेंगे दोस्तों मैं एक नोट लिख रहा हूं, नोट नैतिक तर्कड़ा एवं नैतिक कार्यवाही के बीच गहरा संबंध है, ऐसा किसने कहा, और होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि नैतिक कार्यवाही तभी तो होगी जब हो जाएगी कौन, भाई पहले तो ये निर्धारित करेंगे किस बेस पर हिंज को सही कहे या डॉक्टर साहब को गलत कहे, या डॉक्टर साहब को सही कहे तो हिंज को गलत कहे, तो पहले यह चिंतन प्रक्रिया जब होगी तभी तो नैतिक कार्यवाही होगी। इसलिए गाइस उन्होंने कहा क्या
कि नैतिक तर्कड़ा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा किसने? कोहलबर्ग ने दोस्तों। आई और अब आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, आइए शुरू करते हैं। आई कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण दोस्तों, नैतिक विकास के चरण। पहला मैं चाहूंगा एक बार देख लेंगे, तो नाम हिंदी में बहुत ज्यादा है, उन्होंने दोस्तों तीन चरण दिए हैं, तो मैं चाहूंगा पहले देख ले। पूर्व परंपरावादी, ध्यान से देखिए दोस्तों, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व नैतिक चरण। पूर्व नैतिक चरण दोस्तों, जैसा मैं बता चुका हूं, हर चरण में इसे दोस्तों अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है, कहीं कहीं 3 से 9 रहता है, कहीं कहीं 4 से 10 वर्ष रहता है, तो अपन 4 से 10 मान रहे हैं। तो दोस्तों एज के बारे में, क्योंकि एज को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं देंगे इसमें। आइए शुरू करते हैं इसको दोस्तों। दो है, पहला आइए देखते हैं दोस्तों। पहला, अहम केंद्रितता यांत्रिक सापेक्ष, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। नैतिकता क्या है? पासवर्ड मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूं, इसका पासवर्ड है स्वार्थी बच्चा। क्या है? स्वार्थी बच्चा। क्या कह रहा है? कि सभी खिलौने मुझे दो, सभी खिलौने मुझे दो। दोस्तों यहां से आप देखेंगे और यहां पे हम चरण को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। और अगला है क्या दोस्तों? क्या नेक्स्ट आइए, और यहां है क्या? दंड एवं आज्ञा पालन। आइए देखते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन। और यहां पे देखेंगे दोस्तों, यहां पे लिखा है क्या? माता पिता का नियंत्रण। आइए दोस्तों देखते हैं, माता पिता का क्या? माता पिता का नियंत्रण देखेगा इस दोस्तों। माता पिता क्या कह रहे हैं? इधर माता पिताजी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनेंगे। हाँ, कुछ खिलौने अपनी छोटी बहन को दो, अपनी छोटी बहन को दो। दोस्तों यहां पे मैं आपको हर चरण में तीनों पॉइंट्स बनाऊंगा। पहली बात तो नैतिक दुविधा क्या है दोस्तों, नैतिक दुविधा अगर आप ध्यान से देखें, एक तरफ है, मैंने बोला था उनके चरण में, आपने मेरे नोट्स में देखा होगा, उनके चरण में बननी ही चाहिए क्या? नैतिक दुविधा। अगर नैतिक दुविधा नहीं बनी तो जान लेना कि आप लॉरेंस कोहलबर्ग को लिख रहे हो क्या गलत। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोहलबर्ग को गलत नहीं लिखा जा सकता गाइस, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि अगर आपने गलत लिखा तो बन ही नहीं पाएगी क्या, यह उनका मूल मंत्र है गाइस, उनका पासवर्ड है। क्या? अहम केंद्रित या आंतरिक सापेक्ष नैतिकता क्या कहता है? स्वार्थी बच्चा, सभी खिलौने मुझे दो। एक तरफ बच्चा क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप उसको बोलोगे खिलौने दो और ये देगा, ये नहीं देगा गाइस। दूसरी तरफ क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन में क्या कह रहा है, एक बार देखेंगे। दंड एवं आज्ञा पालन में माता पिता का क्या है? नियंत्रण। कुछ खिलौने अपनी छोटी बहन को दो। अब दोस्तों ये समझ नहीं पा रहा है, खिलौने दूं या फिर ना दो, दोस्तों यह क्या है? इसे बोलते हैं दोस्तों नैतिक दुविधा, इसका पासवर्ड है दोस्तों। हमेशा बोला यही बैठा थोड़ी रहेगा, कोई एक्शन भी तो लगा, खिलौने देने हैं या नहीं देने हैं दोस्तों। लास्ट में मैंने बोला, क्योंकि लास्ट में हर चरण में आएगी क्या, क्या होनी चाहिए हर चरण की क्या नैतिक कार्यवाही। तो दोस्तों सुनेंगे 3-4 क्वेश्चन जो इस पे आते हैं, उस दिन में बताया था, इस बार भी बता रहा हूं और अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये समझ गया है क्या? ये खिलौने तब तक नहीं देगा जब तक कि पापा उठ नहीं जाएंगे, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। एकदम बहुत रोते हो, अच्छा ठीक है, जब पापा उठ जाएंगे, उठ देर आया, उठू अभी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अंततः नैतिक कार्यवाही यह होगी कि माता पिता से मिलता है दंड या नहीं, अर्थात अंततः बच्चे का निर्णय माता पिता से मिलने वाली फटकार, दंड का अर्थ मारना ही दोस्तों,
माता पिता से मिलने वाली फटकार पर निर्भर करेगा, और इसलिए गाइज नैतिक कार्यवाही होगी। इसमें दोस्तों तीन क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा बताता हूं। पहला, लॉरेंस कोहलबर्ग की वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता नहीं होती? तो आप देख सकते हैं सारे खिलौने मुझे दो, अगर इसके अंदर नैतिकता होती दूसरे का खिलौना क्यों लेता दोस्तों। अगला, लॉरेंस कोहलबर्ग की वह कौन सी अवस्था है जहां नैतिकता बाहर से आती है? पहली अवस्था गाइज। क्या क्या कह रहा है भैया, नैतिकता कौन ला रहा है? इसके अंदर नैतिकता होती है दूसरे के खिलौने क्यों लेता, पर नैतिकता कौन भर रहा है बाहर से? लॉरेंस कोहलबर्ग कह रहे हैं कि यह नैतिकता लाता है माता पिता जो बच्चे से अलग है, अर्थात ये वाला भी सही है। और तीसरा दोस्तों, मैंने जो अभी आपको नैतिक कार्यवाही बताई कि लॉरेंस कोहलबर्ग की पहली अवस्था में अंततः बच्चे का नैतिक निर्णय किसकी तरफ जाएगा? दोस्तों सिंपल सी बात है कि अंततः उसका नैतिक निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उसे दंड मिल रहा है या उसे इनाम मिल रहा है दोस्तों। इसलिए यह रहा इसका क्या सही उत्तर है, द राइट आंसर इज गाइज व्हाट, राइट आंसर इज दंड एवं आज्ञा पालन में, अर्थात उसका निर्णय निर्भर करेगा किसको, संभावित दंड पर, यह ऑप्शन था। और आइए गाइज आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर नेक्स्ट पे। आइए दोस्तों दूसरी चरण को देखते हैं, नैतिक चरण एक बार देखेंगे। अब देखिए सबका पूर्व कटेगा दोस्तों, नैतिक रूढ़िवादी, मतलब यहां थोड़ी बहुत तो नैतिकता आएगी गाइज, रूढ़िवादी परंपरावादी, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइज इसे परंपरावादी चरण है दोस्तों। अलग अलग बुक्स में अलग, कहीं कहीं 10 से 15 होता है, कहीं कहीं 10 से 13 होता है। गाइज चरणों के बारे में बहुत ज्यादा, ऐसे मैं 10 से 13 मानता हूं, पर बुक्स में कहीं कहीं 10 से 15 भी होता है दोस्तों, तो परेशान ना हो। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों इसके दो चरण क्या है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, और दोस्तों इसे कहते हैं कानून एवं व्यवस्था अवस्था। आइए दोस्तों देखते हैं, पासवर्ड है प्रशंसा पाने के लिए अनुकरण, ठीक है। अगर मंदिर, पापा बोल रहे सुन रहा, अगर मंदिर रोज जाओ तो तुम मेरे दुलारे बेटे बनोगे। सुनते जाइए दोस्तों, प्रशंसा पाने के लिए अनुकरण, मन नहीं कर रहा है पर पापा की ताली जीतने के लिए जबरदस्ती मंदिर जा रहा है। आइए दूसरी तरफ कानून, दोस्तों गुस्सा रहा है इसी भी दोस्तों, उसको सोता गया एक दिन गैप ही मार दे यार, आज दोस्तों के साथ चाय पीने जानी थी पापा के, भैया प्रशंसा जीतने के लिए रोज मंदिर जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों ध्यान सुनेंगे अगला, कानून को ध्यान में रख कर आत्मनिर्भरता, मैं मंदिर तब जाऊंगा जब मेरा मन होगा। तो क्या सिस्टम है, एक बार देखिए प्रशंसा पाने के लिए, देखिए दोस्तों सीधा सीधा आपको यही पे पता चल गया होगा कि दोनों चरण आपस में लड़ चुके हैं। क्या कह रहा है पहला कह रहा है कि अगर मंदिर रोज जाओ, पापा क्या बोल रहे हैं, बेटा मेरे दुलारे बेटा है, बड़ा तुम्हारा सम्मान करूंगा बाबू, सम्मान का सेंस है तो बेटा बहुत तुम दुलारे बन जाओगे, तुम बड़े संस्कारी बनोगे, मोहल्ले वाले तुम्हारी खूब बड़ाई करेंगे, तुम रोज हनुमान मंदिर जाया करो। दोस्तों पापा से प्रशंसा पाने के लिए, मोहल्ले वालों की प्रशंसा पाने के लिए वह रोज मंदिर जाता है दोस्तों, पर किसी दिन ऐसा भी हो सकता है इसे कोई काम हो उस दिन ना जाए, और उसी दिन कोई मोहल्ले वाला कहे आपका बेटा तो बहुत खराब है यार, मंदिर ही नहीं जा रहा है। दोस्तों वो चाहता है कि हर चीज के अपवाद है, कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं मंदिर ना जाऊं। दोस्तों अंततः हुआ इससे दोस्तों परेशान होकर सोचता है कि नहीं यार, मंदिर जाना ना जाना मेरी इच्छा पर निर्भर पड़ता है, इसलिए लास्ट दोस्तों कानून को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भरता, कानून को ध्यान में, मतलब दोस्तों हम
अनुकरण नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे पर नियम नहीं तोड़ेंगे, कानून को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर बनेंगे। और दोस्तों अब वही बात है, या तो आप दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए क्या बन जाओ, अनुकरण कर लो, और या तो आप कर लो क्या दोस्तों, ये सिद्धांत का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नहीं बनती नैतिक दुविधा तो आप जान लेना कि आपने चरण गलत लिखे हैं। अब आप देखिए सीधा सीधा इन दोनों शब्दों को देखिए, या तो आप नकल मार लो और या तो आप बन जाओ क्या आत्मनिर्भर, अर्थात आप फिर से लपेटे जाओगे नैतिक दुविधा में। और प्रश्न वही है दोस्तों, फिर से बोला नैतिक दुविधा क्या है, कि नकल मारो या अपना डिसीजन खुद से लो। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फिर से नैतिक कार्यवाही क्या है। मैंने हमेशा आपको बोला कि हर चरण की एक नैतिक कार्यवाही है, तो इस चरण की नैतिक कार्यवाही क्या है गाइस? तो नैतिक कार्यवाही मेरे दोस्त क्या है, एक बार ध्यान सुनेंगे कि भैया अंततः हर आदमी यही तो चाहेगा कि आपका बेटा अपने चरणों पे खड़ा हो जाए, चरणों पे नहीं दोस्तों पैरों पे, चरण शब्द कुछ ज्यादा हो गया आप करेंगे। मैंने क्या कहा भाई, हमेशा भाई माता पिता तो यही चाहेंगे कि उनका बेटा उनके पैरों पे खड़ा हो जाए। दोस्तों आप खुद सोचिए क्या जिंदगी भर आपको खुद पता चलेगा नैतिक कार्यवाही क्या है। नैतिक कार्यवाही नहीं है जिंदगी भर चापलूसी के लिए अनुकरण करना, बहुत बढ़िया भैया बहुत संस्कारी हो बेटा एक काम करो 20 बाल्टी पानी भर के ला दोगे, क्या मोहल्ले वालों के यहां आदमी पानी भरता रहेगा? अंततः उसे आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। इसलिए नैतिक कार्यवाही क्या है कि भैया ठीक है आप नियम को ध्यान में रखेंगे पर अपन आत्मनिर्भर भी होते रहेंगे। सो दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूं नैतिक कार्यवाही के रूप में उनका दूसरा चरण प्रेफर किया जाएगा। और सेम गाइज हाँ सेम कहानी, आइए आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ लास्ट में। दोस्तों लास्ट में उनका तीसरा चरण जो आता है उसे हम कहते हैं दोस्तों उत्तर नैतिक, उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी, परंपरावादी या फिर उत्तर रूढ़िवादी चरण, रूढ़िवादी चरण, उत्तर रूढ़िवादी चरण। सही दोस्तों एक बार देखते हैं सही उत्तर क्या है, सॉरी सही चरण क्या है एक बार देखते हैं। पहला आई पहली चरण, इसकी पहली उपावस्था, पहली उपावस्था को कहते हैं दोस्तों सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, या इसे बोलते हैं दोस्तों अपना अपना हित देखना, अपना अपना हित देखना, मतलब गाइस तो आपसी आपस में एक दूसरे का हित देखना। और अगला क्या है गाइस, सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता, और इसे कहते हैं परोपकार। ग्राहक दुकानदार से, ग्राहक दुकानदार से, ग्राहक दुकानदार से मैं 20 रुपए देता हूं पानी की बोतल दो, पानी की बोतल दो, यहां तुम प्यासे हो मुझसे 20 रुपए लेकर पानी पी लो। दोस्तों अब दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है गाइस, बहुत ही बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर गाइस। आप ध्यान से करते आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां दोस्तों कोई दूसरे का हित नहीं देख रहा है और फिर से आप लपेटे जाएंगे किसमें, फिर से आप लपेटे जाएंगे किसमें, नैतिक दुविधा में। दोस्तों नैतिक दुविधा क्या है आइए एक बार देखते हैं। आइए सामाजिक अनुबंध, अपना अपना हित देखना, क्या ग्राहक दुकानदार से क्या कह रहा है कि भैया मैं 20 रुपए दे रहा हूं मुझे एक बॉटल पानी दो। दोस्तों यहां हम दुकानदार के प्रति कोई परोपकार हित नहीं कर रहे हैं, एकदम धंधे जैसा, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक ठेका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, शराब वाला ठेका मत समझ लेना, शराब का ठेका नहीं गाइस, जान आई वाज ट्राइंग टू मेक यू लाफ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों अपना अपना हित देखना, न कि दूसरे का हित देखना। और आइए एक बार दोस्तों आगे देखते हैं अगला,
ग्राहक दुकानदार से कि मैं 20 रुपये देता हूँ पानी की बोतल दे, कोई दान नहीं दे रहा है। या दुकानदार का टारगेट है उसको 20 रुपया मिल जाए, ग्राहक का टारगेट है उसको पानी मिल जाए। दोस्तों यह तो तुम अपना हित देख लो, और यहाँ क्या कर रहा है भैया मेरे 20 रुपये चले जाए, चलेगा परोपकार कि भाई मैं 20 रुपये दे रहा हूँ, आप प्यास से शायद मर रहे हो, आप प्यास से तड़पड़ा रहे हो, आप प्यास से तड़प रहे हो, आप पानी लेकर ध्यान सुनेंगे। उसने कहा भैया तुम प्यासे हो, मुझसे 20 रुपये लेकर पानी पी लो। तो भैया या तो आप परोपकार ही कर लो, या तो अपना हित ही देख लो दोस्तों, और आप फिर से लपेटे जाओगे किसमें, नैतिक दुविधा में। पर दोस्तों जैसा हमेशा बोलता हूं, नैतिक कार्यवाही क्या है गाइस, नैतिक कार्यवाही यही है कि लोग सिर्फ स्वार्थी ना बने। दोस्तों इसको एवं सुशीघा कोई दान पुण्य मागमेले में दान देना यह भी इसका मतलब नहीं गाइस। अगर परिवार को ही देखिए, अगर पापा अपनी सैलरी खुद उड़ाए कि नहीं साहब हम तो भाई अपना ठीक है, हम तो भैया अपना अपना हित देखेंगे, भैया पापा अपनी सैलरी उड़ा डालेंगे तो परिवार कहां से चलेगा। इसलिए दोस्तों बेहतर यही होगा कि अपने हित में भी नहीं करोगे आप, इतना अपना हित मत देखिए दोस्तों, अपने आप को सेफ रखते हुए हो सके तो आपके अंदर परोपकार की भावना पैदा की जाए। एंड द राइट आंसर इज व्हाट, सॉरी, तो नैतिक कार्यवाही होगा दोस्तों क्या, सार्वभौमिक नैतिकता। और यह क्या है कि धीरे धीरे हम किसकी तरफ जाए गाइज, हम धीरे धीरे जाए परोपकार की तरफ। दोस्तों अब आएंगे प्रमुख बिंदु, आइए स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे। आइए यस, आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आएंगे प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों, एक बार देखते हैं। प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु क्या गाइस, तो प्रमुख बिंदु क्या है, नैतिक विकास, नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता, सीधी रेखा में नहीं होता। अगला, नैतिक विकास के हर चरण में नैतिक दुविधा होती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना के सिद्धांत की यह आलोचना है कि उन्होंने अपने अध्ययन में सिर्फ पुरुषों या बालकों के नमूने लिए। अगला, चौथा,
कोहलबर्ग ने ये चरण सभी संस्कृतियों के लिए सम्मान बताए हैं जो कि संभव नहीं है। जी दोस्तों, तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखते क्या है। आइए, नैतिक विकास। दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप जैसा चाहते हो वैसा आपका विकास नहीं होता। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप जैसा चाहते हो वैसा आपका विकास हो दोस्तों, तो आदमी तो चाहेगा वो खाट पे सोया रहे और सारा पैसा उसके पॉकेट में आ जाए। दोस्तों हमारी इच्छा से हमारा विकास नहीं होता। अगर हमारी इच्छा से हमारा विकास हो दोस्तों, तो एक आदमी सोता रहेगा घर पे और इंतजार करेगा हे भगवान सारा पैसा उसके पॉकेट में आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा गाइस। ऐसे करते नैतिक विकास के हर चरण में नैतिक दुविधा होती है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उनकी दो तगड़ी आलोचनाएं मैंने लिखी है, ये दो बहुत बार पूछी गई है नैतिक आलोचनाएं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है कि उन्होंने अपने अध्ययन में सिर्फ पुरुषों को या बालकों के नमूने लिए हैं। कोहलबर्ग ने ये चरण सभी, देखिए सब उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं मैंने साफ साफ लिखा था कि उनके प्रयोग में 10 से 16 वर्ष के बालक शामिल थे, कोई भी बालिका या कोई महिला शामिल नहीं थी, इसके लिए भी उनकी आलोचना की गई है। दोस्तों उससे बड़ी बात क्या है, कोहलबर्ग ने चरण सभी संस्कृतियों के लिए समान बताए हैं, जो कि देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, दुनिया में दो संस्कृतियां एक जैसी नहीं होती दोस्तों। तमाम संस्कृतियों में अपने छोटे मोटे दोस्तों अंतर होते हैं, तमाम छोटी मोटी बातें होती हैं, और यह कहलाता है दोस्तों क्या, उन्होंने कहा कि यह सारे चरण सार्वभौमिक है दोस्तों हमेशा। अब दोस्तों पश्चिमी संस्कृति में भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है, तो बोलूंगा दोस्तों बहुत बड़ा फर्क है। हमारी उनकी सोच में, हमारे उनके तरीके में बहुत अंतर है, इसलिए यह भी उनका गलत है कि मेरे चरण सभी संस्कृतियों में समान है दोस्तों। यह ऑफकोर्स उनका बहुत बड़ा आलोचना है। और अब दोस्तों मैं चाहूंगा या एक बार देखते हैं उन पे आधारित कुछ प्रश्न गाइस। तो अब हम चल रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग पे कुछ तगड़े क्वेश्चन लेने दोस्तों, एक बार जम के दोस्तों प्रश्नों के उत्तर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। यस आइए दोस्तों, 15 क्वेश्चन शायद हम ले रहे हैं। पहला, एक बार देखते दोस्तों फटाक से, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। अगला, अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, क्या कि बालक जब निर्णय लेगा फाइनली उसका निर्णय पहली अवस्था में किस पर निर्भर करेगा, क्या पापा मुझे डांटने वाले हैं। तो दोस्तों उसका बस चलेगा तो वो खिलौने नहीं देगा, वह खिलौने तभी देगा जब उसे लगेगा गाइज क्या कि पापा उसे डांटने वाले हैं। सो द राइट आंसर इज गाइज अंतर्निहित संभावित दंड। यकीन है गाइज सभी लोगों के उत्तर आने लगे हैं। यस आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गाइज लगातार सीधे सीधे हूबहू क्वेश्चन आए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, आइए उनके आलोचना के बारे में कौन सा कथन सही है। आइए दोस्तों अभी भी जस्ट बताया है मैंने, एक बार देखेंगे उनकी आलोचना के बारे में कौन सा कथन सही है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, ध्यान से सुनेंगे। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता गाइज। और अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने सीधा सीधा अपने लेक्चर से आ रहा है, उन्होंने मुख्यतः अपने सिद्धांत को पुरुषों के नमूनों पर दोस्तों आधारित रखा है। द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। आई अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, देखिए दोस्तों साफ साफ चिंतन प्रक्रिया, अगर अगर सिर्फ ये बोले
कि सही गलत में फंसे होना क्या है, तब तो आपका उत्तर नैतिक दुविधा होगा गाइस, तब उत्तर क्या होगा। और देखिए आप देख सकते हैं, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे नहीं सर इसका उत्तर ये है दोस्तों, ये दोनों पियाजे के शब्द हैं, अभी अभी आपने पीछे देखे हैं, ये दोनों पियाजे के शब्द हैं गाइस। किसके शब्द हैं? पियाजे के शब्द हैं, नैतिक यथार्थवाद और सहयोग की नैतिकता, सापेक्षिक या सहयोगात्मक नैतिकता। इसलिए दोस्तों ये तो आपके उत्तर है ही नहीं, अब सिर्फ दो शब्द हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी नैतिक तर्कड़ा गाइस। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, देखिए दोस्तों सीधा सीधा अभी क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन काफी दिनों से आपको दिखाना चाह रहा था पर आज भी लगा है, जहां शुरू करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों को विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता लिए अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही? तो गाइस सिंपल सी बात क्या है, याद करिए, क्या बिना किसी की सहायता लिए दूसरे पे निर्भर ना हो, दूसरे का अनुकरण ना करें कि सामने वाला छाप रहा है तो मैं भी छापूंगा। इसलिए दोस्तों आत्मनिर्भरता, और यह क्या है, कानून और व्यवस्था अवस्था। कानून मतलब कि वही नकल ना मारे और अपने हिसाब से सभी लोग सवाल लगाने के लिए स्वतंत्र है, एंड दिस इज गोइंग टू बी औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था अवस्था। सभी लोग गिरी हैं इसको, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों इसके फोल्डिंग हम ले चुके हैं, आइए क्वेश्चन डबल हो गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के, अच्छा दोस्तों ये भी वही है, आइए ये भी वही है, आइए यस। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं गाइस, हम सभी जानते हैं नैतिक कठोर निर्देश गलत। दोस्तों उन्होंने स्पष्ट निर्देश टाइप का, उन्होंने कहा दोस्तों, उसने कहा कि स्पष्टता तो है ही नहीं, क्योंकि विकास नैतिक दुविधा से होता है, इसलिए ऑप्शन डी तो सोचिएगा भी मत गाइस। धार्मिक शिक्षा की कोई बात नहीं कही है दोस्तों, उन्होंने कहा कठोर निर्देश, मारने के लिए भी नहीं कह रहा है दोस्तों। सही उत्तर है क्या, नैतिक। उन्होंने कहा दोस्तों बच्चे को भी नैतिक दुविधा में लपेटिए, उससे भी पूछिए भाई अगर मम्मी पापा से झगड़ा हो जाए तो किधर रहोगे। दोस्तों द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। आइए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों पिछले साल के पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा, यहां से आपको सीधा सीधा मिलेगा। क्या एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दोस्तों सिंपल सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि यद्यपि यह भी मान रहा है, देखिए ब्रैकेट में दिया है, क्या कह रहा है कि यद्यपि यह दवा उसकी बीबी की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यह अगर वह पकड़ा गया तो वह दंडित किया जाएगा, और यह डर दिखाता है दोस्तों किसको, दंड एवं आज्ञा पालन को। एंड द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में लोगों की आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? लोगों को पापा की ताली जीतने के लिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, लोगों की आशाएं, लोगों की तालियां जीतने के लिए, एंड द राइट आंसर इज गाइस कौन सी अवस्था होगी, गेस करिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, एंड द राइट आंसर इज गाइस अवस्था नंबर 2। आइए देखिए दोस्तों अवस्था नंबर 2, क्योंकि पहले में दोस्तों आएगा नहीं, दूसरे में अच्छा दोस्तों कहने का सिंपल सा अर्थ है कि पापा ताली बजाए, पापा बोले वाह मेरा बेटा कितना संस्कारी है, सो द राइट आंसर इज गाइस इसको। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में दिखाता है? गाइस हम सभी लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है, पहला, मैंने आपको अभी भी बोला कि प्रथम स्तर में क्या कह रहा है, सारे खिलौने मुझे दे दो,
अगर उसके अंदर नैतिकता होती गई तो वह दूसरे के हिस्से को क्यों मारना चाहता। अर्थात सही उत्तर है क्या, स्तर नंबर एक। आएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। करनैल सिंह, देखिएगा एक बार ध्यान सुनेंगे, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। सुनेंगे, आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। गेस करिए, पश्चिम परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परा परंपरागत, उत्तर पर। दोस्तों पर परंपरागत आप करेंगे, परंपरागत पर परंपरागत। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या ये क्या कह रहा है। दोस्तों देखिएगा, जब आप टैक्स देते हो तो आपका पैसा तो चला ही गया भाई, आपको तो उस पैसे का कोई फायदा मिलना नहीं है भाई। आप टैक्स पे करते हो, आपका पैसा गया, आपको अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आप सोचते हो कम से कम किसी गरीब का भला ही हो। और दोस्तों जब आपका भला भी नहीं हो रहा है तो आप टैक्स नहीं दोगे, आप सोचते हो भैया पैसा जो हमने मेहनत से कमाया है या तो देश के लिए, गरीबों के लिए यूज हो, अगर वह नहीं यूज होता तो यह नुकसान पहुंचाता है। अर्थात दोस्तों यह सार्वभौमिक नैतिकता कि भैया हमारा भला नहीं हुआ, हमारा टैक्स तो चला गया, और दोस्तों बाकी लोगों का तो भला हो। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका, उत्तर परंपरागत। यहां पश्चिम का अर्थ है उत्तर परंपरागत। आइए क्वेश्चन नंबर आइए, किसी बच्चे द्वारा दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत में आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों यह गाइज बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। और दोस्तों सीधा सीधा है क्या कि आप पे गर्व करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, इसलिए आपको क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों आइए शुरू करते नेक्स्ट। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन आए हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। गैज मैंने अभी अभी आपको बोला, पहली अवस्था में बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती, नैतिकता बाहर से माता पिता लाते हैं, इसलिए द राइट आंसर इज गाइज पूर्व पारंपरिक अवस्था। और आइए गाइज लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 48। कोहलबर्ग के सिद्धांत की, देखिए दोस्तों सेम टाइप के प्रश्न, देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, तो प्रमुख आलोचना देखेंगे। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिपूर्ण आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया। दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर यही है। देखिए गाइज एक क्वेश्चन आया था पुरुषों पर है ये भी, लेकिन गाइज इसने थोड़ा सा अलग दिया है। आई आई तो सही बात यही है, मैंने आपको बोला कि उन्होंने सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया है। गाइज उन्होंने सांस्कृतिक स्तर को महत्व नहीं दिया है। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। और अब चलेंगे गाइज क्वेश्चन नंबर 49 पर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें या मैं आपके लिए करूंगा। दोस्तों एकदम सीधा सीधा भी आया क्या कि यह आप मेरे लिए करें, कल मैं यही आपके लिए करूंगा। दोस्तों अब आपको सोचना है, मतलब अब आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, भैया मैं कोई परोपकारी नहीं हूं, मैं आपके लिए यह तभी करूंगा जब आप मेरे लिए यह करेंगे। दोस्तों आप समझ गए हैं यह सामाजिक ठेका है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। So the right answer is yes. B for Bombay. Yes. तो अब आपको उत्तर को गेस करना सीखना पड़ेगा। The right answer is B for Bombay. और अब चलेंगे दोस्तों आई नेक्स्ट। कोहलबर्ग के अनुसार ये तो दोस्तों ले चुके हैं, आइए ये देखिए दोस्तों। यस,
कोहलबर्ग के सिद्धांत योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको बोला था क्या, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्यवाही के बीच एक गहरा संबंध है गाइज। और अगला चलें गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये रहा आज का, दोस्तों इज द कंप्लीट टेस्ट। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। आई विक्रम सर का लिंक लगा है, लिंक लगा है तो बताएंगे। यस यस, मुझे यकीन है इट वॉज अ कंप्लीट रिवीजन। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिवीजन किया है हमने, तो बताएंगे दोस्तों कैसा लगा। यस, यह कंप्लीट रिवीजन है गाइज, मुझे यकीन है इट्स कंप्लीट रिवीजन पूरी तरह से। यस, पूरी तरह से गाइज, मैंने आपको थियरी प्रैक्टिस एक साथ दिखाने की कोशिश की गाइज। मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि एक रेंज है क्वेश्चन का, एक रेंज है क्वेश्चन का, और उस रेंज से बाहर क्वेश्चन नहीं आए। सिर्फ आपको उस रेंज को समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको उस रेंज को समझना पड़ेगा। और अगर आपने उस रेंज को समझ लिया, यस सही रेंज को समझ लिया, तब आप जान पाएंगे दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। आइए शुरू करते। यस यकीन है दोस्तों कि यस राइट। यस दोस्तों बहुत ही बढ़िया। और मैं चाहूंगा गाइज कि जस्ट मैं आपसे बस यस ओके बिल्कुल गाइज थैंक यू गाइज। दोस्तों बहुत ही आपने बिल्कुल दोस्तों मेन मोटो दोस्तों देखिए बिल्कुल, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश। जी बिल्कुल सही दोस्तों, हमेशा आदमी सीखता रहता है, सीखना चालू रहता है गाइज। हम आप सभी सीख रहे हैं गाइज, हम लोग भी सीख रहे हैं दोस्तों, त्रुटियां हो जाती हैं फिर सीखते हैं गाइज। दोस्तों दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, अगर कोई यह दावा करे कि वह परफेक्ट है तो जान लीजिएगा वह एक ढोंगी है गाइज। हमेशा सीखिए गाइज, प्रतिभाशाली बालक में दोस्तों आपको जान का आश्चर्य होगा कैपेसिटी एनरिचमेंट क्यों चलाया गया। एबिलिटी एनरिचमेंट क्या होता है, योग्यता संवर्धन। दोस्तों क्षमता संवर्धन क्या है कि एक प्रतिभाशाली बालक में भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां उसे सीखना है। और दोस्तों यह चीज जिस दिन आप समझ जाएंगे दोस्तों जरूर ही आपको यह चीज बहुत अच्छी लगेगी। मुझे दोस्तों एक बार जरूर बताया जाए कैसा लगा यह सेशन। मैंने दोस्तों अपने तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों। तो जैसा आप जान सकते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी मदद लेना चाहूंगा। और दैट इज दोस्तों कल आदरणीय विक्रम सर की लगी है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कल आदरणीय विक्रम सर की लगी है दोस्तों हिंदी मैराथन में व्याकरण गद्य एवं पद्य। दोस्तों आपका गद्यांश और पद्यांश जो आते हैं हिंदी में उसकी क्लास लगी गाइज। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप देख सकते हैं, कल आपने इस चीज को थोड़ा कवर आप नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक लिंक दिख रहा है ब्लू का। और आप दोस्तों उस लिंक को प्रेस करके, सिर्फ उस लिंक को प्रेस करके आप आगे जा सकते हैं गाइज। हाँ तो मैं चाहूंगा कि सीधा उस लिंक को प्रेस करके एक बार मेरे साथ दोस्तों विक्रम सर वाले लिंक पे आ जाएं। मैं चाहूंगा एक बार आप विक्रम सर वाले लिंक पे आ जाएंगे दोस्तों,
सिर्फ विक्रम सर के लिंक पे एक बार आ जाएं दोस्तों तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे हमको दोस्तों आप डायरेक्ट इसे लाइक कर पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आज विक्रम सर को दोस्तों 30,000 लोग लाइव है, और दोस्तों कोशिश होनी चाहिए 30,000 लाइक्स भी दी जाए गाइज। तो आइए एक बार देखते हैं विक्रम सर के लिए दोस्तों, एक बार कोशिश करते हैं एक बार सारे लोग गाइज। लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा एक बार देखें, यहाँ पे लिंक है दोस्तों, इसको ऐसे ऐसे शेयर कर दें, और दोस्तों डायरेक्ट जब आप इसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप विक्रम सर की क्लास पे पहुँचेंगे। और दोस्तों अभी आपने बिल्कुल 2800 लाइक कर दिया है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार इसको जारी रखें। यस आइए शुरू करते, यस राइट ओके राइट। तो मैं चाहूँगा सीधा विक्रम सर वाले लिंक पे आ जाए गाइज। अभी आप लोग धीरे धीरे दोस्तों आप लाइक भी कर रहे हैं, अभी 3700 लाइक हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार विक्रम सर के लिंक को दोस्तों प्लीज उनके क्लास की लिंक को प्रेस करें, और थोड़ी देर के लिए गाइज मेरे साथ आ जाए विक्रम सर के दोस्तों। जो ऊपर जो आपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों, जैसे आप जहाँ पे हो आप कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिसमें विक्रम सर की क्लास लगी हुई है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या रहा इसका लिंक। तो एक बार इसे प्रेस करिए, और इसे प्रेस करने के बाद दोस्तों शुरुआत करेंगे किसका। यस अभी सारे लोग यस गए, सारे काफ़ी लोग आ गए हैं, और अब दोस्तों हमारे पास है 4700 लाइक्स। तो मैं चाहूँगा गाइज कि जरूर एक बार आदरणीय विक्रम सर को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, और मैं चाहूँगा फिर से ज़्यादा लोग, मैं चाहता हूँ एक बार गाइज सारे लोग एक बार सभी लोग दोस्तों मेरे साथ एक बार इस लिंक पे आ जाएं दोस्तों। मुझे सिर्फ आप 5 से 10 हज़ार लोग इस लिंक पर लाइव होके दिखाएं, सिर्फ आप लाइव हो जाएं और मुझे दिखाएं कि दोस्तों आप आ गए हैं लिंक पर, तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों इससे कल मैं चाहूँगा कि आप आदरणीय विक्रम सर को दोस्तों इतना प्रोत्साहित करें, और दोस्तों भारी संख्या में लाइव है, और दोस्तों 1 लाख के टारगेट को, दोस्तों आज का टारगेट था 1 लाख, आप टारगेट नहीं अचीव कर पाए, या दोस्तों मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया, इन दोनों बातों में कोई एक बात तो सच है। दोस्तों मुझे यकीन है कल आदरणीय विक्रम सर की क्लास में आप 1 लाख लोग लाइव होंगे, और कल दोस्तों सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। तो आदरणीय विक्रम सर की क्लास के लिए दोस्तों मैं चाहूँगा सारे लोग एक बार विक्रम सर वाले लिंक पर आ जाए दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। यस आइए एक बार देख लेता हूँ विक्रम सर वाले लिंक को, आई शुरू करते हैं। यस आई यस बिल्कुल, और आ गए हैं दोस्तों हम लोग 6200 पे आ गए हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों कि 10,000 आदरणीय विक्रम सर को दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों 10,000 लाइक्स दें। यस ओके आई आई दोस्तों कोई नहीं, यस दोस्तों लिंक को क्लिक करिए, ओपन होगा पूरा। देखिए डायरेक्ट हम लोग जा रहे हैं, देखिए डायरेक्ट जा रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये यस आई मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। यस देखिए ऐसे हम देखिए ये लिंक जैसे ही पिन हुआ है, आप इसे देखिए अटैच करने पे मैं सीधा कहाँ जा रहा हूँ, देखिए सीधे के सीधे विक्रम सर के क्लास में आ गया मैं। मैं चाहूँगा दोस्तों सिर्फ एक बार ऐसा करें, 700 और काफ़ी लोग आ भी गए गाइस, 725 लोग आ गए हैं इसमें। यस आई 725 लोग आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि यस दोस्तों मुझे 10,000 लाइक्स का बैकअप दे विक्रम सर के लिए दोस्तों तुरंत अभी 5 मिनट के अंदर। यस राइट आई ओके ओके okay. और अब गाइज मैं देखना चाहूँगा आदरणीय यस विक्रम सर के लिंक को एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा। यस दोस्तों अब विक्रम सर के पास है 7,500 लाइक्स गाइज, 7,500 लाइक्स है गाइज। मैं चाहता हूँ कि इसे आप तुरंत 2 मिनट के अंदर दोस्तों 10,000 में कन्वर्ट करें, और प्लीज़ इस लिंक को प्लीज़ कीप ऑन प्रेसिंग, इसे लाइक करते रहे दोस्तों, और प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें गाइज, शेयर करें, जो सबसे बड़ी बात है कि आप इसे लाइक तो करें ही गाइज, प्लस आप इसे शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि शेयर करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे शेयर करें, और प्लीज़ मैं चाहूँगा 7,800 गाइज मुझे 10,000 लाइक्स दिखाएं। यस मुझे 10,000 लाइक्स, यस
आई ओके। विक्रम सर की क्लास होगी बाबू 7 बजे से, कितने बजे होगी? 7 बजे होगी। यस लेट्स गो, आइए देखते हैं। यस ओके ओके शुरू करते हैं। यस यस गाइस बिल्कुल बिल्कुल देंगे। इसको मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार विक्रम सर को देखिए गाइज, यह जिम्मेदारी है हमारी कि हम टीम को बैकअप दे। आई एम डूइंग माय वर्क। आइए देखते हैं। यस राइट। अब दोस्तों 412 हम 8200 लाइक्स दे पाए हैं विक्रम सर को। यस राइट तो सीटेट ओके। कल के लिए दोस्तों 7 बजे यह क्लास लगाई गई है। आइए शुरू करते हैं। यस आठ हजार 300 गाइज दोस्तों एक बार जरूर बताएं कैसी लगी है क्लास और कितने हद तक दोस्तों हम कवर कर पाए गाइज। मैंने मैक्सिमम टॉपिक पर दोस्तों मैंने मैक्सिमम टॉपिक पर क्वेश्चन लिए और दोस्तों पियाजे बाइगोस की कोहलबर्ग पे लगभग मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने मिलाकर लगभग 70 क्वेश्चन लिए गाइज, 70 या 60 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। और मुझे यकीन करता हूँ दोस्तों कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यह सेशन आपके लिए काम करेगा। दोस्तों संस्कृत की मैराथन लगी है 23 तारीख को, फिर सुनेंगे संस्कृत की मैराथन आदरणीय अखिलेश सर लेके आएंगे 23 तारीख को, फिर सुनेंगे संस्कृत की मैराथन 23 तारीख को आदरणीय अखिलेश सर द्वारा दी जाएगी। इसलिए गाइज मैं चाहता हूं कि 23 तारीख को आप सभी लोग दोस्तों कम से कम देखिए गाइज हो सकता है अंग्रेजी के स्टूडेंट कम हो दोस्तों पर संस्कृत के स्टूडेंट बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि अखिलेश सर को दोस्तों इस मैराथन क्लास को यादगार बनाया जाए और आप दोस्तों कम से कम हो सकता है दोस्तों लैंग्वेज का चक्कर हो को सेकंड लैंग्वेज में हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं कुछ लोग संस्कृत वाले हैं फिर भी दोस्तों मेरा टारगेट है कि आप कम से कम 50,000 की संख्या में गाइज बिल्कुल 50,000 की संख्या में। यस आइए शुरू करते हैं। आइए साइंस हाँ बिल्कुल आपको दोस्तों साइंस की और आपको सोशल साइंस की भी मैराथन देंगे तो आप परेशान ना हो दोस्तों। एक बार डिसाइड कर लेते हैं शेड्यूल एक बार पता कर लेता हूँ जो भी शेड्यूल होगा दोस्तों आपको बिल्कुल देंगे और एक बार गाइज मैं चाहूंगा कि बार देख लिया जाए। आई संस्कृत बिल्कुल आई गाइज इंग्लिश इट्स फजैल अहमद दोस्तों इंग्लिश के लिए आप गाइज आपको कोशिश कर रहे हैं एक मैराथन या आपको पीडीएफ कुछ कंटेंट दोस्तों देंगे परेशान ना हो। आइए एक बार देखते हैं। राइट आई शुरू करते हैं। मैं एक बार देखता हूँ आदरणी सर के लिंक को। यस दोस्तों 8900 अब 9000 पे है हम लोग गाइज 9000 पे है तो आइए गाइज शुरू करते हैं। यस आई इंग्लिश मैराथन होगी दोस्तों। आवाज नहीं आ रही कुछ आवाज नहीं आ रही ओके आवाज आ रही गाइज आवाज आ रही। यस आई इंग्लिश की मैराथन दोस्तों इंग्लिश की मैराथन भावना मिश्रा बेटा इंग्लिश की मैराथन भी संस्कृत वाले दिन ही कोशिश करेंगे और ना आपको दोस्तों सर की मैराथन कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे। यस यस आई आई बिल्कुल सही। यस आई मीन जल्द ही बिल्कुल बहुत ही जल्द गाइज बहुत ही जल्द आई शुरू करते। यस तो मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार फिर से देख लिया जाए आदरणीय विक्रम सर के दोस्तों लिंक को आपने कितनी लाइक्स दे दी है ये देखते हैं गाइज। एक बार मैं चाहता हूँ दोस्तों सारे लोग 9200 लाइक्स दोस्तों हम दे चुके हैं विक्रम सर को गाइज कम से कम उन्हें 15,000 का बैकअप दे अपनी क्लास को शुरू करने के लिए। तो मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार लाइक्स की संख्या को जरूर आप लाइक्स करें और शेयर करें दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आज आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं एक बार इस धुआंधार मिशन की। कल विक्रम सर को एक धुआंधार बैकअप देते हैं बैकअप संख्या देते हैं आप और मैं आप तक की। यस
आइए, यस, इसको आइए, राइट। हाँ नहीं, इंग्लिश मैराथन देंगे दोस्तों, क्यों नहीं देंगे, इंग्लिश मैराथन देंगे क्यों नहीं। 9300 दोस्तों, 9300 की लाइक्स है भाई दोस्तों, एक बार फिर से यस। तो साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, सूरज लगातार लिंक भेज रहे हैं, आप चाहे तो इसको यहां से भी ले सकते गाइस, यस आई ओके यस राइट। आप देखिए लगातार सूरज जी लिंक आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं, आप चाहे तो यहां से भी इसको क्लिक करके आप सर के मेरी क्लास से दोस्तों आप डायरेक्ट यहां से लिंक क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं विक्रम सर की क्लास में। देखिए लिंक यू डायरेक्ट भी आपको यहां भेज रहा है, यस कल का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल यस कल का इंतजार कर रहे हैं। 9600 गाइस, ये रहा मैं सिर्फ चाहता हूं दोस्तों आप 10000 एक बार विक्रम सर को क्रॉस करवा दें, तो विक्रम सर को 10,000 लाइक्स के लिए दोस्तों कोशिश की जाए, यस आई राइट। 9700 9700 यस आई राइट। सामाजिक विषय का कोशिश करेंगे दोस्तों, सामाजिक विषय के लिए भी यस आई दोस्तों 10,000 क्रॉस करवाएंगे, 9,900 विक्रम सर के लिए दोस्तों, अब हम 9,900 लाइक्स कर चुके हैं एंड दिस इज गॉन यस राइट। और अब दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं यस 10,000 हैज बीन क्रॉस्ड गाइस, 10,000 हो चुका है गाइस। प्लीज इस लिंक को विक्रम सर के फेसबुक पे ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस दोस्तों कल इस अभियान को सफल बनाएं। और आदरणीय विक्रम सर के लिए दोस्तों कम से कम 70,000 से 1,00,000 का टारगेट लेंगे दोस्तों। मैं चाहूंगा कि विक्रम सर को कल भयंकर मोटिवेट किया जाए और उनकी क्लास को दोस्तों आप इंजॉय करिए, 2.5-3 घंटे 4 घंटे जो क्लास होगी, सर पूरी तरह से जोश में कल फिर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा इस सेशन को यहीं किया जाए बंद, कल दोस्तों फिर मिलते हैं विक्रम सर के साथ चंद्र इंस्टीट्यूट की एक और महामैराथन क्लास के लिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आरपी मिश्रा मांगता हूँ आपसे इजाजत, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, थैंक।